नमस्कार दोस्तों, आपका अपना श्रवण। नीट 2022 का पेपर हो चुका, अब हम लोग यूट्यूब चैनल पे, सीएलसी यूट्यूब चैनल पे पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। मेरे सामने 35 प्लस मेरी केमिस्ट्री टीम के लोग बैठे हैं। हम प्रयास करेंगे हमारे सभी साथियों के माध्यम से आपको पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाए। और दोस्तों, पेपर बहुत अच्छा है। पेपर को लेकर मेरी टीम का यह कहना है कि पेपर लंबा है, बट लंबा कैलकुलेटिव नहीं है, लंबा थ्योरेटिकल है। कोई भी लंबा पेपर दो प्रकार से होता है, जैसे एक तो फिजिकल की लंबी कैलकुलेशन आ जाए वो भी लंबा है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन की लैंग्वेज आ जाए, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ ज़्यादा वो भी लंबा है। तो जैसा मेरी टीम ने मुझे बताया है, जो मुझे आपसे बात शेयर करनी है, कि केमिस्ट्री का पेपर थ्योरेटिकल लेंदी है, न कि कैलकुलेटिव लेंदी है। हाँ, ये इस बार एक नया प्रयोग कर दिया एनटीए ने, जैसे जेई में करते रहते हैं, हर साल तरीके बदलते हैं, एआर आ गए। जो बच्चा 2021-22 का है वो शायद एआर से थोड़ा सा बाहर हो गया था, क्योंकि जब पहले नीट और एम्स के एग्ज़ाम अलग अलग होते थे, तो एम्स के एग्ज़ाम में एआर का मतलब असेसन रीजन, कथन और कारण। फिजिक्स में तो वो कोई क्वेश्चन उसका नहीं है, पर केमिस्ट्री और बायो में, विशेष रूप से बायो में अच्छे क्वेश्चन आए हैं। और मैं तो कह सकता हूँ कि हमारी दुआ कबूल हुई है, क्योंकि पिछले दो साल सेशन 20 और 21 में पेपर इतने ईजी रहे कि यार मजाक सा लग रहा था, तो पेपर कुछ लेवल तो हो। अब लास्ट ईयर हमारे राहुल के 695 नंबर थे, उसकी रैंक करीब 320 के आसपास है, तो 695 पे 320 रैंक जाती है, तो इसका मतलब पेपर का लेवल कहीं ना कहीं लो प्रोफाइल हो जाता है। तो इस बार अच्छा पेपर है, और अभी हम लोग पूरे पेपर का स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन पूरे पेपर के साथ रहेंगे। और अभी ये जो सॉल्यूशन है वो T3 कोड का है, ये कोड बहुत सारे हैं, तो सारे कोड की हम आपको नहीं दे सकते, हम सॉल्यूशन करते जाएंगे। आप अपना पेपर का क्वेश्चन ढूंढ लो, क्यों भाई अपना ढूंढ लो, अपना आंसर मिला लो, और जैसे नंबर आपके जुड़े यूट्यूब पे वहीं अपने मार्क्स डालते जाओ। और अदरवाइज मेरा नंबर आप सब जानते हैं, 9992873888 है। मेरे सीएलसी के बच्चे मुझे अपना व्हाट्सअप करना शुरू करें, ठीक है डियर। पेपर फिजिक्स का सबसे इजी मानते हैं इस बार, उससे हार्ड थोड़ा सा केमिस्ट्री का है, और सबसे अच्छा पेपर इस बार बायो का मान रहे हैं, जबकि नीट का बच्चा मानता बायो मेरे लिए फुटबॉल है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो बच्चा थोड़ा बहुत चीट हुआ है ना, वो बायो हुआ है। खैर, मेरी बातें चलती रहेंगी, तो मैं सबसे पहले मेरे एक बहुत मजबूत सीनियर साथी आरसी से निवेदन करना चाहूँगा, आप आएँ और इधर के केमिस्ट्री के सॉल्यूशन स्टार्ट करें। बोलो बजरंगबली की जय। चलो जी, हेलो दोस्तों। तो पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, पेपर के बारे में बहुत ऑलरेडी बता चुके हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑल 5 4D ऑर्बिटल हैव शेप सिमिलर टू विद रिस्पेक्ट टू 3D ऑर्बिटल, तो 4D और 3D के शेप तो सेम ही रहने वाले हैं, तो सही स्टेटमेंट है ये। तो इफ एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट में एनर्जी सेम रहेगी, लिगेंड की प्रेजेंस में एनर्जी डिफरेंस हो जाएगी, तो ये भी सही है। बट ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे इन तीनों की शेप तो सेम रहेगी, बट यहाँ dx स्क्वायर और dz स्क्वायर की शेप क्या होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, थर्ड हो गया, बिल्कुल है। और दोस्तों, ये हमने पेपर अभी कंपोज किया कंप्यूटर में, तो हो सकता थोड़ा करेक्शन हो जाए, जैसे ये करेक्शन हो गया है, ये 3x² है, 3z स्क्वायर है, तो ये हो सकता है कि अभी पेपर आया हमारे पास 5:30-6 बजे फिर कंपोज किया है, लेकिन आपको ये करेक्शन देख रहे हैं, आप अपना कोड देख लें, क्योंकि हम लोग T3 पे कर रहे हैं, आप ढूंढ लो अपना कोड, हम आराम से कोड कराएंगे, चिंता मत करो, कोड ढूंढ लिया अपना। बोलो बोलो, हाँ जी सही हुआ, ठीक है भाई, शुरू करें बात को। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, और डियर अगला क्वेश्चन देखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, यहाँ पे बोला है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सट्रेट नाइट्रोफिनोल इज हायर देन फिनोल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप, तो NO2 का -8 लगेगा, तो फिनोल से ज्यादा एसिडिक नेचर का हो जाएगा, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। फिर है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव 1 नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू द फिनोलिक ग्रुप, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा होगा पैरा नाइट्रोफिनोल, फिर ऑर्थो होगा, और फिर सबसे सिंपल जो होगा वो मेटा नाइट्रोफिनोल का आंसर आएगा, तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर जो जाएगा यार, लेकिन यहां मैं एक बात कहूंगा साथ, तो आगे आपसे कहूंगा, वैसे आप जाएं हमारे ऑर्गेनिक के आरसी, तो दोनों लेता पार्ट, ये मैं मान रहा हूं कि इसको तो एआर नहीं कह सकते यार, स्टेटमेंट है ये, तो एआर नहीं है यार। हां, तो एआर बायोलॉजी में है, इसका मतलब एआर वहां भी है, अच्छा ऐसे ही क्या, तो ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हो गया, इसमें ऐसा ऑप्शन दे रहा है ना वो, कि कारण यहां नहीं, वो तो बड़ा गड़बड़ था कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, व्याख्या सही है गलत है, वो एआर तो वो होते उस टाइप का भी है, है क्या उत्तरी उस टाइप के भी एक दूसरी सुंदर नहीं है। चलो, तो ये हमारा हो गया, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए, अगला क्वेश्चन आप राधे मिश्रा जी, एरोमेटिक एनआर साथ रहे मंच पे। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरल की,
इन एंस्योमर आर मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजिबल, तो यहाँ ये चीज गलत दे रखी है, मिरर इमेज बट नॉट सुपर इन एंस्योमर क्या होता है, मिरर इमेज होता है बट नॉट सुपर इम्पोजिबल, तो इस वजह से ये चीज गलत हो गई। नेक्स्ट, तो एक मिनट कौन सा सही हो गया इसमें, सेकेंड आंसर एक वापस दो, तो बच्चों को रुकना पड़ेगा ना, हाँ बेटा पेपर ढूंढ लो अपना, क्योंकि हम तो T3 करा रहे हैं, तो बच्चे को पेपर के पन्ने पलटने पड़ेंगे ना, अरे पलट लिया क्या भाई, अरे जाग यार, पेपर अच्छा है, कट ऑफ लास्ट कम रहेगी मैं कह सकता हूँ आपको, क्या रहेगी वो तो कल बताएंगे, पर कट ऑफ लास्ट कम रहेगी। चले नेक्स्ट आगे चले, ठीक है, विच कंपाउंड अमंग एरोमेटिक नहीं है, कौन सा विच इज नॉट एरोमेटिक, पहला साइक्लिक है, प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन है, और हकल उनको फॉलो कर रहा है, 4n+2 कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6, 4n = 4, n = क्या आ गया 1, तो पहली चारों कंडीशन है तो ये तो एरोमेटिक हो गया। सेकंड, इसमें भी फर्स्ट कंडीशन सेट है, सेकंड सेट है, थर्ड सेट है, फोर्थ, 4n+2 = क्या आ गया 2, n = क्या आ गया 0, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन यहां पहली कंडीशन तो सेट है, दूसरी भी सेट है, दूसरी प्लेनर नहीं सेट है, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया sp3, तो ये क्या हो गया नॉन एरोमेटिक, अपने को आंसर मिल गया कौन सा थर्ड, ठीक है, तो मिटाओ उसका आंसर क्या होगा इसका थर्ड, आंसर क्या हो गया आपका थर्ड आंसर, तो ये अच्छा पेपर का चल रहा सॉल्यूशन, 51 से शुरू किया हम लोगों ने, केमिस्ट्री स्टार्ट कर लिया पहले हम लोगों ने, तो 51 का हो गया, 52 का हो गया, एक बार वापस दिखाओ दोबारा से, फिर दिखा देते हैं पीछे से, पीछे से दिखाते हैं वापस से, तो 51 का आंसर क्या था थर्ड, थर्ड था, 52 का निकालना, बोलो भाई सामने बोलो, सेकंड सेकंड, दूसरा, उसके बाद 53 पे कौन सा हो गया सेकंड, सेकंड सेकंड हो गया, उसके बाद 54 पे बोलो कौन थर्ड, 54 पे कौन थर्ड हो गया, आगे चलो 55 पे चलो, आ जाओ आप आए, amongst the following between है मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो यहां हम देखेंगे तो IF5 है इसके पास एक लोन पेयर है, अक्स EF2 में अगर हम देखेंगे तो यहां तीन लोन पेयर है, और दूसरी हम कंफ्यूज होंगे तो CLF3 के पास होंगे, यहां CLF3 में बात करें तो यहां भी लोन पेयर जो है वहां केवल एक लोन पेयर है, तो मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन यहां पे हो रहा है, तीन लोन पेयर है, तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो जाएगा अक्स EF2, ये आंसर हो गया आपका, चेक कर लिया भाई सबने, चलो अच्छी तरह बैठो आप, कुमाऊ जी हमारे एक मिनट विकास को पुत्र, तो ये 55 नंबर क्वेश्चन है T3 का, आप अपना पेपर चेक कर ले, ठीक है डियर, और ये लो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, आपको ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन, आपको जो है वर्क डन पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा अधिकतम कार्य किसमें होगा, तो यहाँ पर जो हमें पता है कि पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है वही जो है वर्क डन होता है, तो बस सीधा सा क्वेश्चन है, बस आ जाएगा मेरे को आ गया फिजिक्स वाला यार, ये तो सिंपल है, कवर्ड एरिया के द्वारा वर्क हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक ठीक है, आगे चलो एक और देख ले, ये किसका है, आए आए, ये हमारे पहले विकास कुमार सर थे, हमारे माने स्टूडियो सर पेन ले भाई, आए ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन है, नोमेनक्लेचर पूछा है इसमें, कोऑर्डिनेशन आता है नीट में आजकल, पहले तो IT हुआ करता, अच्छा पहले तो IT होता था क्यों ना, अब नीट में हो गया ना, हाँ अच्छा अच्छा, इसमें अपन पहले केटाइन का नाम लिखें, केटाइन में दे रखा है Az, दोनों मेटल सेम है, तो अपन देखें H2O क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +1, तो क्या हो गया इसमें डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट डाई साइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट, आंसर आ जाएगा अपना थर्ड, ए मैं पूरा अब लगा टिक लगा, ए अब लगा टिक, कौन सा हुआ थर्ड, चेक कर लो भैया पेपर वाले सभी पेपर चेक कर लो, हम तो T3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपको अपना पेपर चेक करना है, हो गया थर्ड आंसर, आगे चलो 58 में फिजिकल का आ जाए, क्वेश्चन जो है मोल कंसेप्ट का है, और मोल कंसेप्ट में NTA ने यहाँ पर थोड़ा सा जो इसको ट्रिकी कर दिया है, अगर आपने एक स्टेप पहले रुक गए तो आपका आंसर शायद इसमें गलत हो गया होगा, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट मास ऑफ 95% प्योर, तो इसमें परसेंटेज प्योरिटी दे दी, विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml.5 molar HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दे रखी है, तो अगर हम इसमें देखें तो मैं इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर देता हूं, बराबर कर देता हूं, तो मैं लिखूंगा ग्राम इक्विवेलेंट of CaCO3 is equal to gram equivalent of HCl, और इसके ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाएंगे मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, इसका 2 कर देता हूं, और इसके ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो आ जाएंगे 50 × 0.5 / कितना 1000, ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो CaCO3 के मोल निकल के आएंगे, और मोल को जो है मैं इसको सॉल्व करके अगर मास में कन्वर्ट करूंगा तो ये मास आएगा एग्जैक्टली 5/4, तो अगर आपने यहां क्वेश्चन खत्म कर दिया तो ये आपका आंसर गलत जाएगा, 1.25 नहीं जाएगा, क्योंकि इसने परसेंटेज प्योरिटी भी साथ में दे रखी है, तो 95% प्योरिटी के लिए जो है वो आपको क्या करना होगा, मान लो सैंपल का मास x है
पर इसमें से जो है कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो गया 5/4 हो गया N2 100 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 95। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो एक्जेक्टली जो है वो हमारे पास निकल के आएगा 1.32 ग्राम। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने ठीक से पढ़ के सही किया होगा। मतलब इसमें कुछ याद आ रहा मेरे को भी कि आपको आंसर निकालने के बाद उसका 95% निकालना है कि 5% प्योरिटी है ही नहीं इसमें। इतना तो बच्चा कर लेगा, इतना तो बच्चा अच्छा बच्चा कर लेता है। थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन, है ना, ये अपने वर्कशीट में से ही सब जगह है। थैंक यू, नेक्स्ट आए, आप आ जाए। ये कौन सा पार्ट हो गया? आ जाओ एक बार आप, अच्छा काम होता है इस पर ना, एवरीडे लाइफ पे, बायोमोलिक्यूल पे बहुत अच्छा क्लास हुई थी अपने। देखो क्वेश्चन आ गया बच्चों, सुनो भाई, देखो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है ना बेटा, यहाँ भी क्वेश्चन के नंबर चार ही होते हैं, कई बार बच्चे में छोड़ते रहते हैं, इसलिए जो नए बच्चे ध्यान रखें, ये पार्ट बहुत कीमती होते हैं केमिस्ट्री के। प्लीज बताए। एंट एसिड के नाम पे अपन कहें तो सामने मेडिसिन अगर देखें अपन, सेल्वरसेन, मॉर्फिन, सिमेटिडीन, तो सिमेटिडीन, रेनेटिडीन दो मेडिसिन दी हुई है, तो एंट एसिड अपन कहें तो क्या होगा, सिमेटिडीन, तो ए की मैचिंग जो होगी 3 से, ए अपन कहें तो 3 से मैच करेगा, 3 से मैच करेगा, इसका मतलब ये दो ऑप्शन नहीं जा सकते अगर आप ऑप्शन के साथ में हेल्प ले दो। अब यहाँ एंट हिस्टामिन कहें तो एंट हिस्टामिन में सेल्वरसेन, मॉर्फिन और सेल्डेन, सेल्डेन जो होगा ये क्या होगा, एंट हिस्टामिन, कोई दो निकालो, से चार की जरूरत होती ही नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? ये भी कार्बोनिल मॉलिक्यूल का है, यहाँ पे उसने रिएक्शन की सीधी इन्फॉर्मेशन पूछी आपसे, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन अपन करें तो कार्बोनिल पे रिएक्शन किसकी कराए, साइनोहाइड्रिन माने HCN की रिएक्शन करवाए, तो यहाँ पे अपन कहें तो फर्स्ट की मैचिंग एक ही है भैया, 4 से, तो ये बहुत इजी था, ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट, अगर अपने एक मैचिंग पर भैया कंपटीशन है भाई, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इसमें ज्ञान काम कम आता, ठोकर प्रीति काम आती है, वृंदाव करते हैं वो काम आता है यहाँ पर, हो गया जी। चलो आगे क्या जी, मैं इतना कॉलम आया, वापस आ जाओ भैया, अब एक बार पीपीटी खोल लेते हैं, 51 से 60 का निकाल, 60 निकाल, ये मेस्टा कॉलम की प्रॉब्लम है, एक बार फिर से पढ़ दो। हाँ जी, तो बेटा साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन अगर अपन कहें तो साइनोहाइड्रिन कहें तो HCN से रिएक्ट करके साइनोहाइड्रिन बनेगा, एसीटेल अगर फॉर्म करना है तो एसीटेल अपन जानते हैं एल्कोहल से रिएक्शन होती है, तो हेमी एसीटेल, एसीटेल हेमिकेटेल, हेमी एसीटेल का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे अपन कहें तो इसकी मैचिंग होगी किससे, एल्कोहल से, शिफ्ट बेस, प्राइमरी अमाइन और कार्बोनिल की जो रिएक्शन होती है इससे क्या जनरेट होगा, शिफ्ट बेस, और ऑक्सिम अपन गए, बिल्कुल ये बिल्कुल 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 हो गया। थैंक यू, आगे चले 61 पे आए, क्या डियर 61 पे निकाले, कोई दिक्कत नहीं, वेट कर लेंगे। ओके डियर, ये 10 क्वेश्चन की पीपीटी हमारे पास आ गई थी अभी, 61 से 70 की पीपीटी हमारे साथ ही, बिल्कुल नहीं तो जब लाइव चल रहा है 6:30 बजे पेपर हाथ आया तो टाइम तो लगेगा, इसमें क्या है, हवा तो ऐसे थोड़ी अतिरिक्त सूखती है। आ जाए भाई 61 आए, ये किसका है, इनऑर्गेनिक का, ये वो है, एक सही दो, चलो बताएं, एम्स दिया करती थी तो आप बच्चे हुआ करते थे। यहाँ पे सिंपल से दो स्टेटमेंट दिए, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखना है, ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2, बिल्कुल सही बात है, ये बॉन्ड पोलर भी होता है, वीकर होता है I2 से, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, ICL बॉन्ड इज वीकर देन I2, वही बात आ गई, तो अपना इसमें आंसर चला जाएगा, दोनों सही है, और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को, ये रियल AR इसको बोलते हैं, क्यों भाई जी सर, कथन और कारण जो है, असल रीजन, ये क्वेश्चन है, ये पहले एम्स में आते थे, मान के चलना ये नीट की कट ऑफ को और नीट के स्कोर को डिस्टर्ब करेंगे साहब, सीधी सी बात, इसको स्वीकारने में, क्योंकि एम्स जब होता था ना तो साहब एम्स की कट ऑफ 49% रहा करती थी, ये याद किसी को बता दूं आपको मैं, तो एम्स का सेपरेट एग्जाम होता था तो 49-50% जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, कट ऑफ रहा करती थी AR, और इधर मानो कि कर देते ऊपर, अभी एक दो क्वेश्चन होना भी चाहिए था, मैं तो कहता हूँ ये हमारी मुराद पूरी हुई कि पेपर थोड़ा सा टफ आए ताकि अच्छे बच्चे कर पाए, जो वास्तव में बच्चे इंटेलिजेंट हो वो डॉक्टर बन पाए, वो अच्छी कॉलेज जा पाए, ठीक है ना डियर। तो एक बार फिर से देख लो, एक आपका T3 चल रहा है जी, क्यों दयाल सर, बिल्कुल, और 61 क्वेश्चन, अभी आप अपने अपने पेपर में कोड चेक कर लो, आप अपने घर बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, जहां भी हो तसली से चेक करते रहो, ठीक है डियर। आ जाओ 62 में आ जाओ, क्या है, which is not correct mathematically equation for Dalton's law partial pressure, Dalton law के according partial pressure अपने को चेक करना है, partial pressure में जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो हर गैस का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल दे रखा है,
सेकेंड ऑप्शन में हमें कह रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड में दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू पी नोट, ये किसके लिए? राउल्ट्स लॉ के लिए वैलिड होता है लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। तो कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा? थर्ड वाला स्टेटमेंट अपने पास मैथमेटिकली क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो गया, गलत हो जाएगा। तो में अगले पूछा है कि गलत सही नहीं है, तो थर्ड क्या हो गया? गलत हो गया, सही नहीं है। हाँ भाई बच्चों मिला लिया, चलो आगे चलो, आ जाओ आगे आ जाओ। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट साथ बाकी साथी भी सब तैयार है, यहाँ पे देखना है। सबसे पहले ये अच्छा ऑप्शन दिया है आपका, C2 मॉलिक्यूल है जो 4 इलेक्ट्रॉन इनटू डीजनरेटेड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एमओटी के अनुसार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना था, तो इसमें पाई 2px और पाई 2py दोनों में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल जाएंगे, दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन। H2 प्लस आयन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल सही बात है। H2 में दो इलेक्ट्रॉन है, प्लस आयन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाएगा, ये डायमैग्नेटिक। O2 प्लस के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, MOTC ही अपने को चेक करना है, उसी हिसाब से ये पैरामैग्नेटिक हो गया, तो अपना थर्ड ही यहां पे बिल्कुल। अगला पूछा है किस वापस ऐसे भागवत भाई, ऐसे उंगली मत करो भाई, कौन सा कथन सही नहीं है? जी बॉस, तो ये गलत हो गया जी, ये डायमैग्नेटिक नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये भी किसी फिजिक्स का ही है, फिजिक्स में भी यहाँ निकालना पड़ता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं बाकायदा, वहाँ भी म्यू बराबर रूट एन मल्टीप्लाई एन प्लस टू, वही तो सही होगा ना ये, तो सर चले आगे चले। 64 में आए, फिजिकल का क्वेश्चन आ गया, इन वन मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.4 मोल ऑफ सॉल्यूट, तो अपने को सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम यहाँ पुट करते हैं, मोलैलिटी अपने को गिवन है, वन मोलैलिटी गिवन है, 0.5 गिवन है, और हमें मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपने पास आ रहा है ये 500 ग्राम, 500 ग्राम आते ही कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला अपने पास करेक्ट हो जाएगा। बस एक बार फिर देख लो भैया, रुक रहे हैं हम, T3 का ये क्वेश्चन है, आप अपने पेपर में चेक कर लो। और दोस्तों क्वेश्चन हो गया इसका फर्स्ट, नेक्स्ट पे आए आ जाए, ये किसका आ गया? ऑर्गेनिक का है बस। अच्छा सबने डिसाइड कर रखे कौन से क्वेश्चन क्या कराना है, ठीक है उससे आते रहो फिर, ठीक है। ये स्टेटमेंट अपना है, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड गिव अनस्टेबल डाइएजोनियम सॉल्ट, ये क्या है? सही बात है, अनस्टेबल बनाता है क्योंकि N2 गैस रिलीज कर देता है, लिस्टेबल है और एरोमेटिक वाला। 750 लोग आपको लाइव देख रहे हैं इस समय, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, चले देख। एरोमेटिक वाला ड्यू टू रेजोनेंस मोर स्टेबल होता है, इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट सही है अपना। सेकंड क्या कर रहा है, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट व्हिच आर स्टेबल इवन रूम टेम्परेचर पे, ये स्टेबल होता है बट टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब स्टेटमेंट सही, सेकंड अपना इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड क्या है? इनकरेक्ट है, तो अपने मिला लेते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा अपना। एक रुक भाई, रुक रुको, ये है T3 और क्वेश्चन आपका ये स्टेटमेंट वाला, तो सही कौन सा हुआ इसका? सेकंड आंसर। क्या हुआ सेकंड का मतलब है कि कथन फर्स्ट सही है और सेकंड कथन गलत है, गलत है। मिलाने से बच्चों ने भैया अपने पेपर को मिलाते रहे भाई, ठीक है आगे चलो, आओ भाई आगे आ जाओ, आओ निराश रहे। 66 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले स्टेटमेंट पूछा है इसमें आपका द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, पूरा पढ़े क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है और स्टेटमेंट सेकंड दिया है, वो कहता है कि ऊपर दिए गए कथन के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्प में से सही चुनना है, फर्स्ट कथन दोनों सही, एक गलत एक सही, मतलब ये पेपर की सुंदरता बढ़ा रहे हैं इस बार, मतलब रियल में नीट लेवल का पेपर दिया है लोगों ने, मैं कह सकता हूँ 20 और 21 में लेवल का नीट का मजा रखता था, इस बार लग रहा है कि पेपर का पेपर। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू करें आप। देखिए सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रेट पूछा है, अब यहाँ पर H2 दे दिया, H2S H2S H2T दे दिया, तो ये गलत हो गया क्योंकि H2 में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? H2 होगा, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो गया आपका। फिर इसका स्टेटमेंट दिया गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्रेट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन द मोलर मास,
मोलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ये गलत हो गया क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गया, ज्यादा इफेक्टिव हो गया। तो ये सेकंड वाला भी आपका क्या गलत हो गया, दोनों गलत हो गए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हुआ, दोनों ही गलत हो गए। आंसर कौन सा हुआ, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये भी गलत हो गया और ये भी करेक्ट है, ये भी गलत है, और स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ये भी गलत है, और फर्स्ट सेकंड करेक्ट बढ़ा दिया ना भाई, हम लोगों ने पेपर भी कंपोज किया तो इसका अर्थ ये है कि इसके दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोलो हाँ या ना, और ऐसा ऑप्शन कौन है, फर्स्ट है, पेपर कहाँ है, पेपर दिखाओ मेरे को, चलो इसका अभी देख लेते हैं। मिश्रा जी 66 का बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, ये आंसर है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड हाँ अभी सही कर देते हैं, घबरा क्यों रहे हो, मैं खड़ा हो ना, चिंता क्यों करते हो, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, भाई पेपर अभी कंपोज हुआ है तो प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाती है ना, ये प्रूफ रीडिंग हो रही है क्योंकि आप सबका इतना प्रेशर था कि तुरंत सॉल्यूशन पे आ जाओ, बोलो हाँ ना, आगे बढ़े भाई, फिर सुन लो, ये हम लोग T3 का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, 66 क्वेश्चन है, कोई ये फर्स्ट सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बोलो हाँ ना, सब एग्री मेरे सामने भाई, मेरे 35 लोग हुई टीम प्लस बैठे, जोरदार ये कार्यक्रम चल रहा, आगे चलो भैया, व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डाइबोरेन, तो डाइबोरेन का जो क्वेश्चन पूछा गया, डाइबोरेन की जो स्ट्रक्चर होती है, अब ये दोनों बोरोन जो होते हैं ना वो आपके sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो इसमें देखिए पहले 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, तो ये वाले टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपके, फिर आ रहा 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड 2 बोरोन एटम लाइज इन द वन प्लेन, ये भी सही है, ये तीन और ये और इधर वाले तीन, ये छह, ये एक ही प्लेन में होते हैं, बोथ द बोरोन एटम आर द sp2 हाइब्रिडाइज, ये गलत हो गया, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो बताओ पुत्र डिराज क्या करें, कौन सा आंसर करें इसका, इसका आंसर थर्ड हो गया, हाँ भाई सब साथ में, तो कैसे नहीं, थर्ड का मतलब है दोनों बोरोन परमाणु sp2 हाइब्रिड, हाइब्रिड बोलते हैं क्या, संकर हाइब्रिडाइज, हाँ यार एक बात है, केमिस्ट्री तो बहुत चेंज हो गया हमारे टाइम से यार, ना फिजिक्स तो वैसी है, फिजिक्स तो भाई फिजिक्स को चेंज नहीं हुआ, केमिस्ट्री तो बहुत चेंज हो गई यार, सही बात, तो हाँ भाई बच्चों मिला बेटा, तो ये T3 का सॉल्यूशन चल रहा है, और आप अपने अपने पेपर के पन्ने पलट के और देखते जाओ, ठीक है, क्योंकि बेटा सभी कोड की बनना पॉसिबल नहीं है, इतने जल्दी वो तो कल तक बन के आएगी, तो आप लोग देख लो, जो आदमी लाइव के बाद के प्रोग्राम देख रहा है उसको तो दिक्कत ही नहीं है, तो आराम से अपना पोज करके देख सकता है, ठीक है डियर, आगे चले भाई, अगला साथी आए, 68 नंबर सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सूटेबल फॉर सिंथेसिस, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है अपने, फिनोल की डाइएजोनियम सोल्ट नहीं बना सकते अपन, एनिलीन से बना सकते थे, सेंडमेयर रिएक्शन ये नहीं है, बट यहाँ एनिलीन होती तो होती, इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगी, एनिलीन इसके साथ में डायरेक्ट एसिड बेस रिएक्शन करेगा, सोल्ट बना देगा, बेंजीन का क्लोरीनेशन करवा देंगे, तो ये अपने राइट आंसर हो गया, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अब लगा कौन सा सही हुआ, फोर्थ आंसर हो गया, ये लो जी, हो गया जी बॉस, फिर देख लो पूरा खाली किलो स्क्रीन, एक बच्चे देखने के लिए जी बॉस, पूरी खाली किलो स्क्रीन, T3 का हो रहा भाई, देख लिया, चेक कर लिया अपना, चलो आगे चलो भाई, ये फिर क्या आ गया, इनऑर्गेनिक नहीं, सरफेस केमिस्ट्री का, सरफेस का आ गया, करो, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, इन द कोगुलेशन ऑफ ए नेगेटिव सॉल्ट द फ्लोक्युलेटिंग पावर ऑफ द 3 गिवन आयंस इज इन द ऑर्डर Al3+, ये 3+ है, Ba2+ एंड Na+, नेगेटिव चार्ज को अगर नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है तो उसके लिए कोगुलेटिंग पावर जो होनी चाहिए हार्डी सुल्जे रूल के अकॉर्डिंग, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा आयन का उतना ही कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड में बोल रहा है इन दी कोगुलेटिंग ऑफ दी पॉजिटिव सोल, अब पॉजिटिव सोल के लिए जो चाहिए वो नेगेटिव आयन चाहिएगा और नेगेटिव आयन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है Cl-, यहाँ पे सल्फेट के ऊपर -2 हो गया और फॉस्फेट पे -3 हो गया, तो यहाँ पे फॉस्फेट की सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी, तो ये ऑर्डर गलत दे रखा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और सेकंड गलत हो गया, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, नेक्स्ट एक मिनट भाई, आंसर वापस बताओ मेरे को, अभी हमारे आंसर है,
तो 69 का कौन सही करना होगा? सेकंड हो गया। सेकंड मतलब हो गया कि कथन फर्स्ट सही है और सेकंड सही नहीं है। मतलब मजा आ रहा है पेपर इस बार, लग रहा है कि नीट की पेपर आया है। आगे चलें डियर। हां भाई, 70 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है दी गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंट ऑफ काइनेटिक्स ऑफ ए रिएक्शन। ये ग्राफ दे रखा है वाई और एक्स में और ग्राफ स्ट्रेट लाइन का चल रहा है, मींस कांस्टेंट ग्राफ चल रहा है। ये बोला दो रिएक्शन है दी वाई एंड एक्स और फोर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट की बात कर रहा है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसने बोला कौन सा सही होना चाहिए। अगर जीरो ऑर्डर कंसिडर करें फर्स्ट स्टेटमेंट में तो वाई इज द कंसंट्रेशन एंड एक्स इज द टाइम। तो जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन जो होता है वो टाइम के साथ लीनियर डिक्रीज होना चाहिए। तो इसका मतलब पहला तो गलत हो गया, अब आगे पढ़े ही नहीं इस क्वेश्चन को। सेकंड नंबर कह रहा है जीरो ऑर्डर अगर कंसीडर करे तो वाई रेट है और एक्स कंसंट्रेशन है। जीरो ऑर्डर में रेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, के के बराबर होता है। इसका मतलब यहां तक तो अभी तक सही है। आगे कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर में वाई टी हाफ है और एक्स जो है वो कंसंट्रेशन है। टी हाफ जो होता है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, 0.693 अपॉन के होता है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, इसका आंसर सेकंड जाएगा। चलो भाई फिर देख लो, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है मेरे साथ, इसका सेकंड आंसर है। अब क्यों आया, कैसे आया, तो बाद की बातें हैं। नहीं भी आपको समझ आ रहा तो आप आंसर चेक कर लो एक बार अपने, क्योंकि क्यों क्या तो अब दो दिन के बाद की बातें हैं। आंसर हमारा सेकंड हो गया। हाँ, आगे अगला साथी आए, अगले हमारे नवरत्न जांगिड़ सर आ रहे हैं। चलो 71 पे आ गया, अगले क्वेश्चन आ रहे जगदीश सर। क्वेश्चन नंबर 71 में गैडोलिनियम के बारे में बात कर रहे हैं, जो 4F का एलिमेंट है has a low value of third ionization enthalpy because of, है ना। तो स्टूडेंट्स देखो, इसके अंदर अपन JD64 की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख सकते हैं ज़ीनॉन 4F7 5D1 और 6S2, ठीक है ना। थर्ड आईपी की अपने को बात कर रहा है, इसका मतलब तीन इलेक्ट्रॉन अपन ने रिमूव कर दिए, और जैसा कि अपन जानते हैं कि F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 4F7 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो आप कह सकते हो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अपने को यहां पर मिल रहा है। और यहां पर अपन जानते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी भी यहां पर क्या होगी, ज्यादा। तो स्टूडेंट्स अपन स्टेबिलिटी को अपन इस टाइप से एक्सचेंज एनर्जी के रूप में अपन बताएंगे कि एक्सचेंज एनर्जी के कारण जो है वो F7 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। तो इसकी थर्ड आईपी जो लो दे रखी है स्टूडेंट्स, तो आंसर कौन सा होगा इसका, फर्स्ट। भैया थोड़ा सा ये गैडोलिनियम की तृतीय जो है, इसका आंसर क्या दिया है, फर्स्ट। सब सही है भैया, चेक गलती से टिक लग जाए भाई, कई बार क्या फिर वीडियो में भी पढ़ा जाता है, सही है। चलो आगे चलो भैया, अगले साथी आ जाए। एलियर ग्राउंड चैप्टर से है ये क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट आपके पास है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट देखें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन एल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेज ड्यू टू एबसेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट अपने पास इसके अंदर दोनों सही हो गए। एक बार तो वर्मा सर, राजेंद्र वर्मा सर हमारे, कि दो स्टेटमेंट दिए दोनों सही हैं। तो पहला कथन दोनों सही नहीं है, तो आंसर चौथा हो गया इसका। चौथा आंसर क्यों भाई, चेक कर सर, सर चेक कर रहे हैं भाई, इसका आंसर हो गया हमारा फोर्थ। ठीक है भाई, देखो डियर फिर आप एक बार रोक लो भाई। T3 का चल रहा सॉल्यूशन, केमिस्ट्री में 50 से 55 स्टार्ट हुए थे, 22 क्वेश्चन हो गए हैं, आराम से शीघ्र ही पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा दोस्तों। चलो आगे चलो भैया आए। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 73 जो IUPAC नॉमेनक्लेचर पर बेस्ड है, और इसके अंदर एटॉमिक नंबर स्टूडेंट दिया हुआ है अपने को। जैसा कि IUPAC डिस अपन 1 को अपन स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, अपन अन, और फिर से अपने पास डिजिट 1 आ रहा है तो फिर से अपन क्या बोलेंगे, अन। और 9 के लिए अपने पास वर्ड रूट वर्ड क्या है स्टूडेंट्स, EN, है ना, EN, और लास्ट में अपन सफिक्स क्या लगाएंगे स्टूडेंट, IUM। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, अनन एनियम। तो स्टूडेंट्स आंसर विल बी फोर्थ हो गया। आगे चलें, अगले साथी आए, हमारे शुक्ला सर आएंगे, आए। ये आयोनिक इक्विलिब्रिया का क्वेश्चन है और एसिडिक बफर सॉल्यूशन दिया गया है। यहाँ पर एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन है pH=pKa प्लस log बेस 10 पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड होगा। यहाँ पर pKa आपको गिवन है 4.57 प्लस log बेस 10 पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपको यहाँ पर 0.1 गिवन है सोडियम एसीटेट के फॉर्म में और 0.01 एसिटिक एसिड के फॉर्म में गिवन है। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4.57 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी लॉग बेस 10 पर 10 और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये ऐड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5.57।
और यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा फोर। हाँ भाई सब चेक कर रहे हैं, देख लो भाई हमारे शुक्ला जी आपको बता रहे हैं 74 का आंसर हो गया हमारा, ये तो उसका हो गया एसिड बेस का, क्यों एसिड बेस आयनिक इक्विलिब्रियम का। थैंक यू सर, बोर्ड खाली कर रहे माँ भैया सारा सिर्फ पैदल जाके मेरे पांव थोड़े जवाब दे रहे इसलिए मैं बैठ जाता हूँ। अपने पास नेक्स्ट है जेलडोन मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो जेलडोन मेथड में हमारे पास अगर नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है तो यूज नहीं होता है, एजो कंपाउंड है यूज नहीं होता है, नाइट्रो कंपाउंड है तो यूज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सेकेंड आंसर आ जाएगा। एक मिनट सुने क्वेश्चन देख लो भाई, सब लोग मैं फ्रेम में आ रहा हूँ क्या भाई, आ रहा हूँ फ्रेम में, ठीक है थोड़ा फ्रेम सही कर ले फिर, क्योंकि मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा भाई, इनको तो एक पेपर करना, मेरे को तो पूरे पेपर में खड़ा रहना, कल सरासर पैदल भी जाके आए। हाँ हाँ परमा जी तो क्या कहना चाहते हो, कौन सा आंसर चाहिए इसमें, इसके किस टॉपिक क्वेश्चन है, पीओसी। देखो बस इसलिए पूछा मैंने, ये पीओसी भी आ गया डेली लाइफ, और सब पढ़ाया मैंने इस बार, काम किया एक बार जोरदार हमारी टीम के तार क्लिप के अल्टीमेट सबसे बड़े काम किया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे चले आए नवरत्न जागीर फिर आगे। ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है डिफेक्ट्स इन सॉलिड, और इसमें अपने को फर्स्ट एसेशन और रीजन स्टूडेंट्स दिया गया है इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट, इसमें पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बात की है, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब एक एटम के अराउंड है ना डिसिमिलरिटी। तो इसमें इसमें आगे स्टेटमेंट क्या कैरी कर रहा है, आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो स्टूडेंट स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल के बारे में बात कर रहा है, इवन इफ है ना फ्यू ऑफ इट्स कैटाइन्स आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट बहुत ही है ना ध्यान देने वाला है, इसके अंदर स्टूडेंट अगर अपन केवल कैटाइन मिसिंग की बात कर रहे हैं और अगर अपन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अपन ध्यान दे सकते हैं कि शॉटकी डिफेक्ट भी हो सकता है स्टूडेंट जिसमें कैटाइन और एनाइन, लेकिन केवल कैटाइन की बात कर रहे हैं तो शॉटकी के अलावा अपन फ्रेंकल पर जा सकते हैं। और आगे इसमें रीजन क्या दे रहा है स्टूडेंट, इन एन आयोनिक सॉलिड फ्रेंकल डिफेक्ट अराइज ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कैटाइन फ्रॉम इट्स लैटिस साइड। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि स्मॉल कैटाइन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपन ये कह सकते हैं कि रीजन एकदम करेक्ट है और एसेशन भी करेक्ट है और ये इसको सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है स्टूडेंट, पॉइंट डिफेक्ट का एग्जांपल है ना। तो अपना आंसर इसमें स्टूडेंट कौन सा जाएगा, अपना एसेशन करेक्ट है, रीजन भी अपना करेक्ट है और ढंग से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर विल बी फोर, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो आंसर जो है वो है ना फर्स्ट आंसर तो क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो पॉइंट डिफेक्ट है तो पॉइंट डिफेक्ट को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है और यहाँ पर स्पेशली फ्रेंकल डिफेक्ट को डिफाइन कर रहा है, तो ये एग्जैक्टली दोनों इस टाइप से 100% इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो करेक्ट दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होंगे। ये है रियल नीट का लेवल एम्स फील हो रहा है यहाँ पर कि भाई आपके स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर पा, जो भी इस लाइव को जब वीडियो देख रहे ये रियल रीजन व्याख्या है या व्याख्या नहीं है, और ये प्रश्न जब आएंगे तो मान के चलना कट ऑफ में चेंज होगा और मैक्सिमम मार्क्स का स्कोर भी चेंज होगा, बाकी तो इतना बड़ा देश है मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ बोलो, हाँ नवी सभी पीछे वापस आए, आप भी पूरी टीम एग्री क्वेश्चन से एक नंबर हो गया, चलो नेक्स्ट आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसमें अपने को दे रखा है स्टूडेंट्स दो कॉलम दे रखे हैं, अगर अपन बात करें MgH2 के बारे में स्टूडेंट जैसा ही जानते हैं अपन आयोनिक या हाइड्राइड है, तो इसमें कौन सा स्टूडेंट होगा फर्स्ट, और अगर अपन फर्स्ट के अंदर कौन सा फोर्थ हो गया, तो बस फोर हो गया ना बस। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे माप लूंगा भाई, ए का फोर्थ हो गया ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सर ठीक है। अब थोड़ा इसको जल्दी भी करेंगे क्योंकि एक पेपर चल रहा है, तीन पेपर और बाकी है भैया, आगे चले। हाँ भाई ऑर्गेनिक का बंदा आओ भाई, ये हमारे महेंद्र सैनी सर है। नेक्स्ट एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है, RMGs का रिएक्शन CO2 के साथ करवाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक कर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा तो RCOOMgX बन जाएगा, ये वाई प्रोडक्ट बन गया। फिर नेक्स्ट केस में इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये वाई पूछा है प्रोडक्ट में, तो इसका क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर 4 चला जाएगा। हां भाई सर साथ देखें भाई, 78 का आंसर क्या होगा, फोर्थ, टिक मारो फोर्थ पे टिक मारो भाई, हो गया चलो आगे चलो नेक्स्ट साथी आओ। चलो भाई ये हमारे नवीन सर है। हां नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन, जिसमें दो रिएक्शन दे रखी है, ऑफ सेल रिएक्शंस दे रखी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यस,
और जो पहली रिएक्शन दे रखी है इसके पास में इसकी वैल्यू लिख रखी है, और ये जो वैल्यू है वो आरपी की वैल्यू है, और नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसके पास वैल्यू दे रखी है, ये भी आरपी की वैल्यू है। और पूछा जा रहा है कि परमैंगनेट आयन जब एसिडिक मीडियम में पानी के साथ रखा जाए तो O2 फॉर्म होगा या नहीं होगा, तो अपने क्या करना है कि जो रिएक्शन बनेगी इसमें O2 फॉर्म होना चाहिए, तो इस रिएक्शन को अपने को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अभी O2 इसके रिएक्टेंट साइड में है जबकि प्रोडक्ट साइड में जाएगा तो O2 फॉर्म हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को जब रिवर्स करेंगे तो इसका माइनस का 1.223 काम में आएगा, जबकि ये जो रिएक्शन दे रखी है इसको सेम ही रखेंगे, पर मैग्नेट आयन एज ए रिएक्टेंट इसमें काम में आ रहा है, लेकिन इसका जो ई नोट है वो अपने को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन जो दे रखी है उसका पास में ई नोट नहीं है, तो इसका मतलब अपने ई नोट कौन सा काम में लेना पड़ेगा, ई नोट ऑफ MnO4 माइनस से Mn+2। अब जैसे इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो एज अ प्रोडक्ट आपका O2 फॉर्म होगा, और इनका ई नोट डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब इनका ई नोट डायरेक्टली ऐड होगा ये वैल्यू प्लस का 1.5 हो जाएगा, 1.51। ओके डियर, जैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे तो ई नोट आ जाएगा 0.287 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जिसका ई नोट पॉजिटिव है और इसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, रिएक्शन हो जाएगी तो बिल्कुल इसका मतलब O2 बनेगा। ओके सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली, क्या बात, थैंक यू। नेक्स्ट आते हैं हमारे सीके सर आए। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है, फिर बहुलक आ गया, देखो पॉलीमर 5 क्वेश्चन आ गए यहाँ से, मतलब ये जो लोग जो पढ़ते नहीं है 5 क्वेश्चन, तो भाई जी पूरा सीन क्या आप पुराना बदल देते हैं 5 क्वेश्चन। तो व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट आपसे स्टेटमेंट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है फाइबर्स प्रोसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो फाइबर्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका राइट है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टिंग एंड हार्डिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, रेस्पेक्ट ताप सोल्डर्ड बहुलक जो होते हैं वो हीट करने पे क्या होते हैं अपने मेल्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और कूलिंग करने पे क्या होंगे, हार्ड हो जाते हैं, ये भी सही। नेक्स्ट देखा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल नहीं होते क्योंकि इनमें क्या होती है, क्रॉस बॉन्डिंग होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, थर्ड आपने पूछा क्या, नॉट करेक्ट, नॉट थर्ड आंसर हो गया, थर्ड आंसर। मैं आप फिर से कहना चाहता हूँ, मेरे साथियों से कहना चाहता हूँ, दोस्तों 5 क्वेश्चन बैठे थे यहाँ से, और अक्सर लोग इन कोचिंगों में अपने इंडस्ट्री में कई बार टीचर बोलिए क्या पढ़ाना है, ये तो बच्चे पढ़ लेंगे, और 5 क्वेश्चन का मतलब भैया नंबर होते हैं, फिर 25 नंबर में तो सीधा आदमी एम्स दिल्ली से चलकर बीकानेर पहुंच जाता है, और बीकानेर से वापस कोचिंग पहुंच जाता है। हाँ जी चलो भाई, कहां तक पहुंचे, हाँ अगली अब 81 से, अभी देखो 80 हो गए थे, 80 तक हो गए, चलो 81 पे आओ नवीन सर, फिर क्वेश्चन फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है, जो कि ECS पे बेस्ड एप्लीकेशंस ऑफ ECS, और ये पूछा गया है कुछ ई नोट की वैल्यूज अपने गिवन है, यदि आपको ECS याद है तो इस ई नोट की वैल्यूज का कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा, तो इसमें ई नोट की वैल्यूज आपको दे रखे चाहो तो काम है, अदरवाइज ECS याद कर लो। इसमें क्या बोला, कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, बस बच्चा यहाँ गलती करता है, कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। अब रिएक्शन आते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है, मोर रिएक्टिव मेटल्स होगा, लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर और आयरन में अपने को पता है आयरन ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ECS में ऊपर जगह रखता है, तो इजीली वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसका ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो अपना आंसर नहीं है। ओके डियर, सेकंड बात है जो आयरन है Zn+2 जब रिएक्शन जिंक से रिएक्शन करेगा, जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है तो इजीली Fe को डिस्प्लेस कर देगा, इसका रिएक्शन पॉसिबल है पर अपना आंसर नहीं है। थर्ड बात है और सिल्वर और कॉपर प्लस टू और सिल्वर में सिल्वर कम रिएक्टिव होता है जबकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है, जब इसका मतलब एक Ag इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसका मतलब आपकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, पर अपना आंसर ये है। तो फाइनली अपना आंसर हो गया, पूछा कि अभिक्रिया नहीं हो सकती, तो थर्ड नहीं हो सकती, आंसर अपना क्या हो गया, थर्ड हो गया। ओके थैंक यू। अगला 82 क्योंकि पेपर सॉल्यूशन वगैरह टाइम हम सब साथ बैठते हैं, उस समय हमारी मेमोरी सब कितनी वो क्या हाई वोल्टेज पे होती है कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया। अब ये हमारे साथ जो क्लास पढ़ाने जाते हैं दोस्तों, तो उनको स्ट्राइक कर जाता हूँ, उसी की देन है कि अच्छे स्कोर, अच्छी रैंक, अच्छे रिजल्ट हम लोग बना पाते हैं, उसी की देन है कि CLC की जो टेस्ट सीरीज हिट होती है, उसी कारण है कि ये बंदे पेपर तैयार करते हैं ना, तो इनको सारी बातें कॉन्सेप्ट एग्जाम में क्या था उसी की देन। तो भाई 106 पेपर करवा के RLS पेपर दे देते हैं, बच्चा 4 महीने पेपर देता रहता है, वो थकता नहीं है, बोर नहीं होता, देश की एक बहुत बड़ी सी लंबी सी हमारी टेस्ट सीरीज भी चल जाती है क्योंकि एक एक क्वेश्चन का पता होता हमें। ओके सर प्लीज आए सीके सर, क्वेश्चन में आपको दे रखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको एंजाइम्स के लिए। तो फर्स्ट में आपको दे रखा है कि केमिकल कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ये इसके लिए राइट स्टेटमेंट है। एंजाइम्स आर पॉलीसेकेराइड, एंजाइम पॉलीसेकेराइड नहीं है,
प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन की तरह ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा? रॉन्ग होगा। तो आंसर आपका क्या होगा? सेकंड आंसर होगा। तो अब गलत पूछा था, इससे बड़ी पंगा आ रहा है, ये है गलत क्या है, सही क्या है, ये दिमाग तो खराब करेंगे दादी जी, दिमाग खराब करेंगे यार। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। हमारे शुक्ला जी हैं, मिश्रा जी हैं। 83 क्वेश्चन हमारा एस ब्लॉक से आया हुआ है। इसमें सिंपल सा पहला क्वेश्चन हमारे पास साफ साफ ऑप्शन दिख रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द के पोटेशियम इन KO2। KO2 इज द सुपर ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम, एंड वी नो दैट कि अगर हम लोग सुपर ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम के बारे में बात करें तो K का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और O पर -2, 1-1 चार्ज आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर एक मिनट, फिर गलत पूछ लिया, खतरनाक काम है यार। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप से रिलेटेड है, तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल, ये तीनों आपके सही है बिल्कुल। स्टेटमेंट से ऊपर उत्तर गलत हो गया। हाँ, मतलब जोर यहाँ आएगा, पढ़ने पड़ेंगे सारे, उसके बाद आंसर देना। तो क्या करना मिश्रा जी, क्या आंसर दें इसका? फर्स्ट सर, फर्स्ट फर्स्ट दे भाई, सब अग्री है सब लोग। चलो थैंक यू, आगे चलो भाई। नेक्स्ट अगेन एस ब्लॉक फिर से दोबारा से आ गया। एस ब्लॉक में हमारे पास ये प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनके कंपाउंड हैं और उनकी प्रॉपर्टीज कलेक्ट कर रहा है। दोस्तों 1000 व्यूअर्स जुड़े हुए, एक बार क्लिपिंग करें आपके काम के लिए, 1000 बहुत बड़ी बात होती है यूट्यूब पे, ठीक है। अगर हम लोग लिथियम के बारे में बात करें तो एवरीबॉडी नो दैट लिथियम को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज करते हैं, तो लिथियम का करेक्ट मैचिंग क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बात करते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम इज द बेस्ट कूलेंट फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत अच्छे कूलेंट की तरह एक्ट करता है। बताओ ए का सेकंड है क्या, ए का क्या है, ए से किसको मैच करना है? ए को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेकंड से, तो ए का सेकंड एक में ही है या आंसर आ गया जी? थर्ड, थर्ड ऑप्शन। अरे भाई बोलो सामने, अनुमान से ना बोलो, ये लो हो गया, थर्ड हो गया। और क्या पीछे, वापस पीछे, एस ब्लॉक के दो क्वेश्चन आ गए, एस ब्लॉक के बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, मतलब आपको 6-7 क्वेश्चन देखे भाई पूरी। और मैं फिर से कहता हूँ आरसी सुनना ध्यान से, बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं इनको, और ये डिफरेंस क्रिएट करेगा, देखना अपने बच्चों, अगर बच्चे सीएलसी वाले इस बात को महसूस करें, याद करो हमने आपको डीसीएम में बाकायदा पीवाईओ प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड को हमने बाकायदा 4 पेज के नोट छाप के दिए थे, बाकायदा क्लास में पढ़ाया भी है, उसके बाद बच्चों ने कहा बहुत एक अपने याद 8 पेज अपने छाप के भी दिए थे बच्चों की डिमांड पे। हाँ अगला हो गया, नेक्स्ट अगेन पी ब्लॉक का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, डायमंड इज अ कोवेलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक, बिल्कुल इनकरेक्ट है, दोनों के दोनों कोवेलेंट होते हैं हमारे पास। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वैन डेर वाल फोर्स लगता है, लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी आती है, साफ साफ दिख रहा होगा सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट सही। ओके 85 ए पार्ट खत्म हुआ, क्यों ये था ना 51 से लेके 85 तक ए पार्ट पूरा हो गया, अब 15 क्वेश्चन है, ओके उन 15 में से क्या करना है, 10 सही होंगे, ये तो था ना। चले जी आगे ले, टोटल यूट्यूब व्यूअर क्या 7,500, इसका मतलब क्या हुआ 7,500 लोग इसको अब तक देख चुके हैं बदल बदल के। चलो भाई, हाँ सर आप हमारे, देखो हमारा साथ छुट्टी पे गया था फिर भी नहीं मैंने कहा आ जाए, तो भाई देखो आ गया हमारा मनोज परमार सर, आप मनोज भाई प्रभात। 86 प्रॉब्लम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मड व्हेन द एसीटोन रिएक्ट विद 2-pentanone इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीटिंग। प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि आपके पास 2-pentanone 1, 2, 3, 4, 5 टू सेकंड पे आप पास 2-pentanone एसीटोन के साथ रिएक्शन कर रहा है। दैट सी बात है, पॉपुलर रिएक्शन जेई मेंस एंड नीट के अंदर बहुत बार पूछी जाती है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल जो है दूसरे पे अटैक कर सकता है, सेम पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, पहला ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं कि यहाँ पे पहले तो प्रॉब्लम में नॉट फॉर्म दे रखा है, मतलब इन कौन सा नहीं बनता है, तो पॉसिबिलिटीज में देखें यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से अगर H+ जाता तो ये 1, 2 और 3 पे ऑन आ रहा है, जबकि यहाँ पे जो आ रहा है वो 2 पे ही ऑन आ रहा है, जबकि यहाँ पे 3 पे आ रहा है, इसका मतलब पहला ही गलत हो गया। तो इसका आंसर जो आएगा इनकरेक्ट, पहला आंसर फिर वही समस्या आ गई, सही नहीं है। बेटा मुझे लगता है नेगेटिव मोड में फिर बनाया किसी ने, सही है कि नहीं पूछा, सही नहीं है, गलत कौन सा है। चलो आगे चलो भाई, 87 पे अगले साथी आए, आरसी फिर से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा फ्रेमिंग हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में यह पता लगना कि लेमड़ा का ऑर्डर नहीं पूछा है, एनर्जी का ही ऑर्डर पूछा है। एनसीईआरटी में जगह क्वेश्चन दिया है उसमें लेमड़ा का ऑर्डर पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हमें एनर्जी एब्जॉर्ब पूछा है, तो जिसका डेल ओ मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो डेल ओ मतलब सीएफएसी हमें निकालनी है, तो यहाँ पे 3 इथाइलिन डाइएमीन है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो सबसे ज्यादा सी का होगा, फिर इसमें 2 इथाइलिन डाइएमीन है, उसके बाद ए का होगा, उसके बाद बी का होगा,
तो मतलब आंसर इसका जो जाएगा वो जाएगा सेकंड इज करेक्ट आंसर। मतलब पूरी टीम का कहना है कि पेपर सारा एनसीईआरटी से आया है, इसलिए भाई हम तो एनसीईआरटी पढ़ा ही पढ़ा रहे, बच्चों सुन लो भाई, पेपर सारा एनसीईआरटी जाना है, इसलिए एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लें, पेपर वहीं से आ रहा पूरा, बाकी तो भैया कहीं ज्ञान प्राप्त करते रहोते। आजकल क्या है ये बच्चे लोग बर्बाद क्या होते हैं, वो हमारे बहुत से साथी होते हैं कोचिंग्स वगैरह में, हम कोचिंग हमारे मॉड्यूल पढ़ो और आपके मॉड्यूल सब ठीक है, लेकिन जब यार वेद ही पढ़ दो ना, एनसीईआरटी वेद ही ग्रंथ ही पढ़ लो पूरा, ताकि सारा दिन उनका सारी समझ आ जाए। आगे चले भाई नवीन सर, फिर से आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, मतलब बोनस पे जाएगा क्वेश्चन, कैसे जाएगा वो समझो, बोनस कैसे जाएगा, बोनस कैसे जाएगा वो बताते हैं अपन लोग। देखो इन्होंने दे रखा है एक रिएक्शन दे रखा है जो कि एक सिंपल सा रेडॉक्स रिएक्शन है, और इस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए पूछा गया है ई सेल क्या होगा। अपन सबको पता है ई सेल जो होता है वो ई नोट सेल जो अपने को गिवन है माइनस 0.0591 जो अपने को डेटा गिवन है अपॉन वी एफ रखते हैं, इसका वी एफ कितना आएगा, जो निकल है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस टू में गया है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट में है चेंज दो का आया है, तो इसकी जगह वी एफ टू आ जाएगा प्लस लोग क्या रखते हैं अंदर में लोग क्यू सी। तो यहाँ पर इसका जो के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट रखेंगे तो इसका क्यू सी की वैल्यू जो रिएक्शन क्वेश्चन बोलते हैं इसको वो आएगा एन आई प्लस टू की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई ए जी प्लस की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी कंसेंट्रेशन 10^-3 दे रखी है, ए जी प्लस की कंसेंट्रेशन भी 10^-3 दे रखी है, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे 10^-6 हो जाएगा, जो कि ऊपर जाने पर 10^+3 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 10^+3, तो यहाँ पर जो ई नोड सेल की वैल्यू दे रखी है वो 10.5 दे रखी है, और 10.5 इवन आप पूरी ECS भी देखोगे ना तो इतनी ज़्यादा वैल्यू किसी सेल के अंदर आ ही नहीं सकती ई नोड की वैल्यू। तो इसका ये डेटा इनकरेक्ट है, मतलब ये गलत डेटा है, यहाँ पर 1.05 होता तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था और इसके अकॉर्डिंग सेकंड आंसर भी आ जाता, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज पुट करते हैं ये मान लो सही मतलब आंसर नहीं है इसका, हाँ इसका कोई आंसर नहीं आएगा, मतलब ये मिसप्रिंट हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है भाई, हमारी हमारी टीम का मानना है कि ये पॉइंट गलत लगा है, हो जाता है, ह्यूमन एरर होती है, तो अपन इसको बोनस कर रहे हैं, बिल्कुल टीम सेल्स की भाई ध्यान है भाई, टीम सेल्स इसको बोनस कर रही है। चलो थैंक यू, आगे चलो भाई। 89 में क्वेश्चन 89 मेटलर्जी से है और इसमें ऑड्स के बारे में पूछा, तो हेमेटाइट स्टूडेंट क्या होगा Fe2O3 और मैग्नेटाइट क्या होगा स्टूडेंट Fe3O4 और केलेमाइन का फॉर्मूला अपन जैसे ही जानते हैं ZnCO3 और कार्बोनाइट का फॉर्मूला स्टूडेंट ये वाला होगा। एक मिनट हो गया भैया, पेन दे ये फर्स्ट है, ये थर्ड है भाई, ये मिसप्रिंट हो गया। मैं कहा ऐसे तो भाई सुन, आप ये कह रहे हो ए में थर्ड होगा जी, और ए में थर्ड केवल दो में है, चलो आगे बोलो, ये मिसप्रिंट है प्लीज मैंने पहले पका भी तुरंत कंपोज हुआ है, ये फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, इसको थर्ड किधर भी हो करें तो ए में थर्ड हेमेटाइट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स Fe2O3 हो गया, मैग्नेटाइट होगा स्टूडेंट Fe3O4 और केलेमाइन ZN का और होगा ZnCO3 और ये डायरेक्ट मैच हो रहा है यहां पर D4 से। तो स्टूडेंट अपने पहले में तो हो गया, ए में तो सेकंड हो गया फिर अपना, और बी में हो रहा है स्टूडेंट फर्स्ट हो गया, तो आंसर विल बी फर्स्ट, आंसर विल बी फर्स्ट फर्स्ट। एक मिनट देखना, चेक करना आंसर फर्स्ट है क्या, ए में थर्ड हो गया, ए में डी भी क्या है, डी में फोर क्या, डी में फोर बस ओके। फिर सुनो भाई, फिर से बोलो, ये थर्ड है ना भाई, ये बार बार मैंने कहा ना बार कंपोज लेटेस्ट हुआ है और इस सब नोट करते ना भाई, ताकि हमारी पीपीटी दोबारा सही बन जाए। आगे चले भैया 91 फिर वही कथन कारण आगे चलो 91 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है फर्स्ट क्या दिया है दो स्टेटमेंट दिए हैं और लास्ट ऊपर दिए गए कतनों के संदर्भ में नीचे विकल्प है एक सही और यार नहीं है स्टेटमेंट है बोलो हाँ जी बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट है इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी स्कैंडी टर्शियरी अल्कोहल आर डिसिंगास्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन विद एसिटाइल ज़ेड एन सी एल2 तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट है प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव तो ये इनकरेक्ट ह
इज करेक्ट, फर्स्ट सही है, सेकंड है इनकरेक्ट, तो कौन सा हो गया? सेकंड आंसर। सेकंड सही क्या? बिल्कुल। कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड सही नहीं है, वो गलत है। फिट है जी, समझ रही है? चले आगे चले भाई, 92 में आ जाओ। 92 क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन है। तो भाई रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से फॉर्मल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है 2-methylpropanol। तो इस क्वेश्चन को अपने इस तरीके से करेंगे कि ये मेथेनल हो गया फॉर्मल्डिहाइड,
और प्रोपेनल में आ गया 2-methyl प्रोपेनल इस टाइप से ये। तो इन ऑक्सीजन को अपने रिमूव करके एल्कीन का प्रिपरेशन करेंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH CH3 एंड CH3। तो इसका UPC नेम अपने डबल बॉन्ड के साइड से स्टार्ट करेंगे तो 3-methyl-but-1-nene, तो इसमें फोर्थ आंसर आ जाएगा। 92-4 कर दे भाई, अभी 92-4 कर दे, अग्री सब लोग, चलो आगे चले जी। आ जाओ भाई 93 में आ जाओ। हां 93 क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। IUPAC आता है क्या? तो जो कंपाउंड दे रखा है उसमें जो अल्कोहल है उसको अपने मिनिमम नंबर देंगे, तो इधर से 1-2-3-4 और इधर से 1-2-3, मतलब नंबरिंग जो है वो इस साइड से स्टार्ट होगा इस टाइप से। तो इसमें आ जाएगा 1-bromo, तो 1-bromo और इसके अंदर अपना 5-chloro, तो 1-bromo-5-chloro का ऑप्शन ये रहेगा, 4-methyl। एक मिनट सुनो भाई, सुनो हिंदी गलत होगी इसकी, रे 1-bromo-5-chloro या 1-bromo-5-methyl हो गया, डिफरेंस गलत हो गया, ये क्लोरो हो जाएगा। हां चलो, हां भैया, अरे मेरे बार बार, हां एक मिनट आओ इसको, ये भी इंग्लिश सही है, 1-bromo-5 ये लिखने में गलत हो गया इसको भैया, ये गलत है, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या होगा हमारा? 1-bromo-4-chloro-4-methyl-hexane-3-ol, ठीक है, चलो ये बैठने फायदा होगा ना अपने, ठीक है, मिस्टेक्स खत्म हो गई अपने, आगे चलो जी। आए भाई आपके पास 64 ग्राम ऑक्सीजन है तो मोल कितने होंगे? 2, तो पी इज इक्वल टू मोल आपके पास 2 है, आर की वैल्यू 1/12 है, इनटू टेम्परेचर है 300 अपॉन वॉल्यूम दे रखा 10 लीटर, इसको आप सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 5, तो आपके पास 4.9 कोचिंग में क्या पढ़ाना होता है इसीलिए मिलते होते हैं बच्चों, ये सॉल्यूशन हम लोग इसीलिए बिल्कुल बहुत इसको सीरियस लेते हैं मैटर को, क्योंकि इस सॉल्यूशन में हमें तो आज हमारी मेमोरी सुपर पावर पे होती है, हमें पता रहता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है, उसी की देन है कि एक बहुत सिस्टमेटिक टीम हमारी काम करके रिजल्ट कन्वर्ट करती है हमारी। नेक्स्ट, हां बताइए भाई जी। पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट्स एनहांस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इसके अंदर ये पार्टिकुलेट मैटर आएगा और ओजोन के थ्रू SO2 SO3 में चेंज होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में भी SO2 वो SO3 में चेंज होगा, तो इसमें अपना जो आंसर रहेगा ABD रहेगा, इसमें ABD मींस आंसर विल बी फर्स्ट हो गया जी, ABD कर दें भाई, फिर देखो एक बार ABD है, कणिकीय द्रव्य ओजोन और हाइड्रोकार्बन, यस सर, आगे चलो 96 में आ जाओ भाई। बेटा ये है केमिकल कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके अंदर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है और 5 मिनट के बाद में कंसंट्रेशन ये दे रखी है, सिंपल सा क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट के पूछा, तो K इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस इनिशियल कंसंट्रेशन और आपने टी टाइम बाद में कंसंट्रेशन, तो K इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 और टाइम आपको दे रखा है 5 मिनट, लॉग 10 बेस इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 और आफ्टर 5 मिनट कंसंट्रेशन देखिए 0.001, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 100, इसको 10 की पावर 2 लिखेंगे, 2 कहाँ पे आ जाएगा आगे, तो इसको सोल्व करोगे तो 4.06 अपॉन 5 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.9, जो 45 के आसपास, क्यों जी, कौन सा होगा फर्स्ट होगा, यस, चलो अगला साथी आओ, 97 क्वेश्चन निकाल भाई, 97 कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे 4 और एज लेंथ आपको दे रखी है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, तो डेंसिटी आपसे इसके अंदर एटॉमिक मास पूछा, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है n इंटू एटॉमिक मास, ये कॉपर का एटॉमिक मास पूछा, तो वो इसको एक्चुअल में तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कॉपर का जो एटॉमिक मास होगा वो 63.2, दे बृंदा, लेकिन इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर ये आएगा, बृंदा करें इसका, ठीक है, चलो एक नया स्टेट सब जोड़े बृंदा करना, हाँ जी आओ हमारे फिर कुमार जी, विकास जी आ गए, हाँ विकास, क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको बोल रखा है एक रिएक्शन दे रखी है, फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन केस इज फाउंड टू बी 3×10⁻¹, ये आपको केसी की वैल्यू दे रखी है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.040, देखो सीधा सा काम है, हम केसी जो है वो कैसे लिखते हैं, केसी इज इक्वल टू किसी भी रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे हमारे पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो अब केसी की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करूं 3×10⁻¹ इज इक्वल टू, आपको जो है वो एक तरीके से O3 की कंसंट्रेशन पूछी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर और नीचे ओजोन की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.04 और इसका आएगा क्यूब, और यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व किया हुआ है
4.38 into 10 to the power minus 32. ये आंसर आएगा. तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कंसेप्ट आपने ठीक से पढ़ा होगा. तो 98 का जो है वो ऑप्शन जाएगा कौन सा? फोर्थ. भड़िंगा फोर्थ. हाँ भड़िंगा नहीं भड़िंदा. भड़िंदा 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 नहीं भड़िंदा. मेरे फतेहपुर का शब्द है. हो गया. हाँ पुत्र बोल क्या करे. फोर्थ फोर्थ. यस आगे तो 99 में जाओ. ऑर्गेनिक आगे. ये हमारे फिर से हमारे परमार सर आगे. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस कर लेगा. तो रिड्यूस करेगा तो इसको CH2NH2 में कन्वर्ट करेगा. NaNO2 प्लस HCl दे रखा है. इससे डाइजिनियम सॉल्ट बनाएगा. हाइड्रोलाइसिस होगा तो आपके पास CH2OH आ जाएगा जिसमें प्रोडक्ट थर्ड वाला मैच करेगा. आंसर थर्ड हो जाएगा. फिर देखो एक बार क्या अभिक्रिया में उत्पाद थर्ड आंसर हो क्यों. हाँ, चलो चलो भाई 100 लास्ट बोल. आ जाओ भाई आ जाओ. कुमार जी आप फिनिश करो. आ जाओ आप कर दोगे. आप कर दो. एक बार रेडियस ऑफ सेकंड मोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस के. और ये तो फिजिक्स बात है. 105.8 क्या रेडियस पूछेगा. अरे मैं मेरी मेमोरी बताऊं तेरे को. 0.529 एम स्क्वायर बाय जेड. यस एग्जैक्ट एंगस्ट्रॉम. हां एंगस्ट्रॉम है. ओके सुन 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 रुक रुक. ये कितनी है एम स्क्वायर. कौन से पूछा है. थर्ड में 9 हो गया. जेड 3 से गुणा कर दे इसको. 5 × 3 = 15 क्या गया. कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. आयो भाई अब सभी साथियों का परिचय कराते हुए आए. परमार सर इधर से. ये हमारे मनोज परमार सर हैं. तीनों पार्ट लेते हैं आप केमिस्ट्री के. तीनों पार्ट लेते हैं केमिस्ट्री. थैंक यू सर बैठे आए. इधर से आए. ये हमारे कुमार सर हैं आप केमिस्ट्री के. फिजिकल ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक पार्ट. थैंक यू. आए अगले साथी. ये हमारे नवरतन जहांगीर आप क्या लेते हो. इनऑर्गेनिक फिजिक्स लेते हैं. ये हमारा डीरा लाडला चेला हमारा योग गुरु भी है. ये चित का लेता है. इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक लेता है. ये योग पे बहुत ध्यान देता है आजकल. ये रणवीर जाखड़ है आप ऑर्गेनिक लेते हैं. थैंक यू. ये नवीन फिर चेला सीएलसी का तो कौन पार्ट लेता है. इनऑर्गेनिक फिजिक्स. इनऑर्गेनिक फिजिक्स लेते हैं. ये हमारा सीनियर फैकल्टी या ओल्ड फैकल्टी. यही बात है. वो किसी आदमी को तो ओल्ड है तो गुस्सा होता है. सीनियर को तो रज रहता है. तो ये हमारे आरसी सर है सब जानते हैं. चिरपे चेहरा है. आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों आईटी मतलब मेडिकल आईटी सब लेकर क्लास लेते हैं. थैंक यू. आए ये हमारे प्रणाडो सर हैं. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक लेते हैं. आए ये हमारे अनिल वर्मा जी बहुत ही सुलझे हुए स्लिप दे रहे हमारे ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक लेते हैं आप. आए ये हमारे देखो ये एक वर्मा जी इधर आओ. वर्मा जी वैसे तो आपकी एज कितनी है. 48. आपकी कितनी है. 34. देखो 34 48 ये इस तरह का मिक्सर है सीएलसी में. सीनियर्स का जवानों का उसी की देन है कि जय जय सीएलसी है. तो आप हमारे सीखी सर आप क्या लेते हैं. ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक. थैंक यू बैठे. ये देखो और छोटा बच्चा आ गया हमारा महेंद्र सैनी. तू क्या लेता है. ऑर्गेनिक. और तू इसलिए बोलो कि मैं स्टूडेंट भी नहीं. सीधी सी बात है भैया. भैया आप कह के फॉर्मेलिटी करना हम नहीं करते हैं रे. जैसे भगवान और माँ को कभी आपने कहा जाता ना इसलिए बच्चों को भी आपने कहा जाता है. आप कहो सर आप कैसे हैं रे. हम उन सिस्टम में नहीं पढ़ते. हम तो भाई जी वो है कि बड़िंदा करने आदमी है. आ जाओ जी. चले ये महेंद्र स्टूडेंट सी एल सी का आप कौन सा पार्ट लेते हो. ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक. थैंक यू. ये हमारे मिश्रा जी हैं. ये मिश्रा जी बहुत दूर से आए हैं. बड़े प्यार का तोहफा लाए हैं. यूपी उत्तर प्रदेश कहाँ के आप रहने वाले. हमारे दो यूपी के एक हमारे वहाँ एक आप यूपी से. आप कौन सा पार्ट लेते हो. मैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक. पवन मिश्रा. थैंक यू. आए हाँ शुक्ला जी आप कहाँ के हो. आगरा यूपी. आगरा से हो जी. तो सर आगरा ही पेटे गाना के लिए बराबर. ठीक है ना. बिल्कुल सर. आप कौन सा पार्ट लेते हो. ऑर्गेनिक और फिजिकल. थैंक यू. अभिषेक कहाँ जिला. और कौन बोलोगे. बस आप हमारे स्टूडेंट भी हैं सीएलसी के. कौन सा पार्ट लेते बेटा. फिजिकल और इनऑर्गेनिक. सब साथी आगे. तो ये हमारी केमिस्ट्री टीम थी. एक दो साथी एब्सेंट भी होंगे कोई. तो ये पूरी टीम थी जो अच्छा काम कर रही है. और दोस्तों आपने देखा होगा एक शानदार पेपर रहा. हमने 88 को क्वेश्चन दिखाना हो. 88 क्वेश्चन दिखाया बोनस किया हम लोगों ने. एक वहां दिखा दे एक बार. वो हमने बोनस किया है. अब केमिस्ट्री के साथी फ्री है. ये दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने बोनस किया है. हमारे साथी कहते हैं 1.05 हो तो इसका आंसर सेकंड होता है. ये क्वेश्चन बोनस हो गया. तो एक बार हमारी जोरदार केमिस्ट्री की तालियां बजाएं. एक अच्छा पेपर था. और अब कितने क्वेश्चन जुड़े हैं वो आप अपने टोटल जोड़ लें. अब फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं. ओके डियर. तो केमिस्ट साथी ओके बाय बाय. मिलते हैं कल. भोजन करके इधर बाबूलाल जी की सेवा लेके जाना भैया. बाबूलाल जी ने भोजन बनाया सबके लिए बड़ा प्यारा सा. आए भाई फिजिक्स स्टार्ट किया जाए. और इस पेपर में सबसे अच्छा पेपर फिजिक्स का इस बार. सबसे ईजी भी कह सकते हैं फिजिक्स का पेपर सबसे अच्छा. एक क्वेश्चन कथन कारण का हमारे दीपक बोला जी मेरे सबसे सीनियर पुराने साथी. बोला सर हो जाए शुरू. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है. सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा गया है. ठीक है जिसका फॉर्मूला होता है B=μ0ni. ठीक है B=μ0ni. सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर दे रखी है. तो इससे ये फर्स्ट रिजल्ट से आता है 12.56 × 10⁻²⁺ ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक मिनट कौन सा आंसर हुआ. फर्स्ट फर्स्ट हुआ. हाँ आप उधर से बताओ इधर से मैं बताऊंगा ऐसे क्योंकि हाँ
एक भी फिर से कह रहा हूं, पेपर अभी कंपोज किया, कुछ करेक्शन आ गए थे, इसमें भी हो सकते हैं बड़ी बात। आप उत्तर T3 का पेपर सोल्ड कर रहे हैं भाई, क्यों बच्चों पर नहीं पलटने पड़ेंगे, कोड बहुत सारे हैं। तो छोटे भाई क्या आंसर दिया? फर्स्ट 12.56 वो 4 रुपए का मान हो जाता है, इसलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। सेकंड, यहाँ पे आपको बाइकॉन्वेक्स लेंस की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, और उसमें रेडियस दे रखी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि इसकी पावर क्या होगी। पहले आप निकालो, पहले आप निकालो, पहले आप निकाल सकते हैं F=R/2μ-1, ठीक है, और इसका इन्वर्स कर देंगे तो पावर आ जाएगी, पावर आ जाएगी, पावर इज इक्वल टू 1/F से निकाल लेंगे तो यहाँ से इसका रिजल्ट आता है +5D। प्लस 5D, हाँ भाई बच्चों मिला रहे हो सब आज ही, अरे पन्ने पलट लो अपने अपने पेपर के भाई, चले आगे, केमिस्ट्री अच्छा हो गया, फिजिक्स पे आ गए, आगे चलो थर्ड पे आ जाओ भाई। थर्ड क्वेश्चन इसमें हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बोला है कि प्रथम और द्वितीय उत्तरी अवस्थाओं में उधर, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, पे एक्साइटेड स्टेट बोला गया है, हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड मतलब सेकंड ऑर्बिट, और यहाँ पे इसमें ये हो जाएगी थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, थर्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछा गया रेशो किसका, एनर्जी का, अब एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होता है 1/N2, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/N2, एनर्जी यहाँ पे टी से शो कर रहा है, तो 9:4 हो जाएगा, तो 9:4 इसका आंसर आएगा। और यहाँ गड़बड़ हो सकती है, यहाँ गड़बड़ 4:9 भी हो सकता है, मतलब ये रेशियो में कई बार कुछ बच्चा उल्टा है, ये सिली मिस्टेक हो सकती है यहाँ से ना, तो 9:4 आगे चले भाई, चलो आगे चलो, अगले साथी कौन है, आते रहो जो जो। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पीक वैल्यू पूछी गई है आपसे, इसका मतलब ये निकलते हैं पीक वैल्यू क्या होती है, √2 times ऑफ आरएमएस वैल्यू, टिक मारो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सेकंड √2 times ऑफ आरएमएस वैल्यू, चलो आगे चलो, चलो चलो फिजिक्स का पेपर ठीक दिया, अच्छा कर दिया, थैंक यू, अगला जाओ किशोर सर, आ जाए, हाँ जी हो जाओ शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैथ्स लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें आपको दे रखे 4 वेव और उनकी अपने को वेवलेंथस को अपने को मैच करना है, तो फर्स्ट इसमें देखो एक्सरेज जो है इसको अपन जानते हैं इसकी ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ होता है 1 angstrom, यस, तो 10^-7 का 11, तो डी का फोर्थ है, बिल्कुल, और डी का फोर्थ समझ में भैया, लेकिन पड़ेगा, हाँ। उसके बाद ऐसे बहुत सिंपल सी बात इसमें, ए तो है रेडियो वेव, हाँ, इसके बाद हमारे पास है माइक्रोवेव, ठीक है, और फिर हमारे पास है कौन सी इसमें दो ये इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, उनको अपन सिंपल देखे ऑर्डर देखें, तो जैसे आप देखें कि अपने पास जो विजिबल रेस होती है उसके साथ अपन देखें तो इसके इंफ्रारेड आपका है इधर, इसके बाद अपने पास है माइक्रोवेव और कौन सा रेडियो वेव, तो इसी का ऑर्डर आपको चेक करना है, अक्सर आपकी पहले से डिफाइन हो चुकी है, ठीक है, तो रेडियो वेव जो है वो सबसे बड़ी है, इसमें इसकी लैम्डा सबसे तो 10 की प्लस प्लस कौन सा है, तो आपका ए में सेकंड हो गया, ए में सेकंड एक में ही है, हो गया ले, क्यों भाई, बिल्कुल, पेपर चेक करें सब लोग, आप थोड़े इधर हैं सामने मेरे कैमरे के, इधर हैं भाई, ये फिजिक्स के साथ इस तरह बैठो, कैमरे पीछे आ गए तो आई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा ना अपना, फिर मुझे, हाँ भाई इधर से आ जाओ तो आई कॉन्टेक्ट सबका, आगे आ जाओ, आगे से बैठा स्टार्ट हो जाओ, हाँ डियर सब एग्री है, जरूरत जा करने की, हाँ भाई सब तो तैयार है, पांचवें क्वेश्चन का सब देखते रहे भाई, पांचवें का कौन सा आंसर हो रहा है, थर्ड हो गया, पांचवें का थर्ड हो रहा है, आगे चले छठे पे आ जाओ, छठे पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस स्ट्रेंथ, अगला बंदा कौन है, माइक लगा लो भाई, अगला बंदा कौन आएगा, माइक लगा लो, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इससे पर दे रखा है अपने पास एक स्क्वायर लूप है और इसका एरिया हमारे पास कितना, ए इक्वल टू कितना 1 m² और सिंपल दे रखा है इसके सरफेस के ठीक 90 पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, बी अपने पास है 0.5 टेस्ला, तो आपको पूछा है फ्लक्स फाइव इक्वल टू ओनली बी इनटू ए हमारे पास है ना, बी हमारे पास कितना 0.5, तो इसका आंसर 0.5 वेबर, शाबाश बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट यहाँ से आप देखें तो सर्किट फर्स्ट और सर्किट जो सेकंड थर्ड दे रखा है, यहाँ पीएन और पीएन सेम ऑर्डर में है, यहाँ पर भी आपका एनपी बिल्कुल बैटरी, यहाँ ये तो वो हो गया सीरीज में दोनों हाफ आउट डिवाइड हो जाएगा, क्वेश्चन भी बैटरी को रिवर्स किया हुआ थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ कंपोज क्वेश्चन हो गया होगा ना, हाँ भाई एक मिनट भाई जल्दीबाजी हो गया, उससे ही कर दो बैटरी को उसको, ये हाँ बड़ा बस बस वो मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, ये अभी तुरंत कंपोज हुए तो प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाती है, ओके डियर कहने का मतलब यहाँ इक्वल डिवीजन हो गया वहाँ इक्वल डिवीजन हो गया, अब इसको भूल जाओ ना यार, आर आर जोड़ दो बैटरी का तो आर आर पे V/2 V/2 जाएगा, वही बात यहाँ पर है, अरे वो बैटरी प्लीज हमने सही कर दिया भाई, स्लाइड भी सही कर दिया, आंसर कौन सा थर्ड ए और सी, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ तो फिर अपना भाई आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप ऑफ वेग होता है तो 10θ1/10θ2 10:30 और 10:45 तो 10:30 कितना हुआ 1/√3 और बस हो गया आंसर कौन सा हो गया
थर्ड हो गया क्या? भाई सब सब ध्यान दे भाई, साथ ही आंसर सही करते रहे क्योंकि कई बार यहां बोलने में गलती होती है। 10 30 थर्ड होगा ना भाई, थर्ड होगा ना, 1/√3 होगा। हाँ घबराए नहीं, इसमें हो जाता जल्दी भाई, इसके बोलते हैं भाई 10 थीटा 1/10 थीटा 2 1/√3 हो गया। सामने सभी साथ ध्यान दें कि कीप इट, पूरी मेहनत पे गलत नहीं हो जाए हमारा। नेक्स्ट आगे चले, अगला साथी। हाँ आपका किसका है? हाँ चलो आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 केजी एंड 20 केजी रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ रिजिड एंड लेंथ 10 मीटर। अपने पास दो मास है 10 केजी और 20 केजी और लेंथ हमारे पास कितना है 10 मीटर। आपसे पूछा ये है कि 10 केजी मास से सेंट्रल मास कहां पे है, तो 10 केजी से मास सेंट्रल मास कितना आपका हो गया 20/10+30, तो टोटल 30 × कितना हो गया, लेंथ आपका है 10 और इसको उड़ाओ तो कितना आपके पास है 20/30 मीटर। फर्स्ट इसका आंसर आपका सही बताएगा। हाँ भाई सभी साथी ध्यान दें, कैसे आंसर फर्स्ट है क्या भाई ये सबके पास? हाँ भाई थोड़ा सा आपस में डिस्कस करेंगे सभी साथी मेरे साथ मिल रहे हैं भाई। ओके थैंक यू, आगे जाओ। देखो भाई पूरी टीम है, एक पहले केमिस्ट्री लोग आए, सब फिजिक्स के लोग आए, सब मस्ती सब सॉल्यूशन किया यार, सब लोग सामने बड़े उत्साह के साथ बैठे हुए हैं और हम जो पेपर का डिस्कस करते हैं इसीलिए हैं ताकि सबको आइडिया रहे कि एग्जाम में आते क्या। नेक्स्ट ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस 90 होता है, तो सीधी सी बात है यार ये ले। yes. क्यों भाई ये जो है, हाँ भाई माननीय आ जाओ। जय सीएलसी, और अपन क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं कि इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेस स्प्रिंग इज डबल। अरे एक मिनट ये वो नहीं है क्या, v इक्वल √T/M भाई सुनो भाई, तो √T/M है रस्सी तो वही है, v इज प्रोपोर्शनल टू √T/ अरे जब मुझे याद है बैठे बैठे यार, तो m तो सेम हो गया, तो v1/v2 और एक में तो अपना था ये इक्वल टू कर देते हैं, एक में t टेंशन और दूसरे में हो गया 2t, तो यहां से सीधा आंसर आ गया v1 और v2 का जो अनुपात है वो 1:√2। बोलो भाई आया ना, ये अपना दो आंसर फिट है। चलो तो एक सेकंड, हाँ ये ले। अब देखो ये 12वां क्वेश्चन, तो इस 12वें क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है कि मतलब जो अगर अपन लॉजिकली बोलें तो लॉजिकली जो क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है, बट अगर अपन इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो निकल रहा है, तो इसका ऑप्शन अपन सॉल्व करके जो आएगा वो अपन देखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें पहले बोला गया कि जो फ्रिक्वेंसी जो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी वो म्यू है और उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो Vs/2 है, तो अपन यहाँ पे पहली जो इक्वेशन बनेगी वो EVs/2 इज इक्वल टू H(μ)-φ0 और दूसरी जो अपनी इक्वेशन बन रही है उसमें जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो अपना है H(μ0)/2 -φ0 और इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया है वो अपना आया है EVs। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अगर अपन EVs का मान यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पे, तो ये जब रखेंगे तो ये आ जाएगा H(μ)/4 माइनस अपना हो जाएगा φ0/2 इज इक्वल टू H(μ)-φ0, ये इस टाइप से हो रहा है। अब अपने को जो है φ0 की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, अगर अपन φ0 को इधर लेके आ जाए तो ये φ0/2 हो जाएगा क्योंकि ये φ0 और इक्वल टू यहाँ पे जो H(μ) में से जब H(μ)3/4 आ गया, यहाँ से जो μ0 है वो 3μ/4 भाई ये फोटो का बेसिक क्वेश्चन है, क्यों इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू 3μ/2 हो गया। अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, पर सर बॉस इसमें एक थोड़ा सा दिक्कत क्या हुई कि लॉजिकली ये इनकरेक्ट है क्योंकि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर है वो म्यू और μ/2 है, बट यहाँ पर जो अपना जो मतलब जो वो थोड़ा सा वो ज्यादा हो, लेकिन वो मान लेते हैं, मान लेते हैं, मतलब इसका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट आगे चले बेटा, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने से विद्युत चालक का बढ़ता और चालक घटता है वही तो है। क्या कहोगे, तो तापमान बढ़ाने पे विद्युत प्रतिरोध का मान चालक का बढ़ता और चालक घटता है, चालक का बढ़ता है, चालक का बढ़ता और चालक घटता है, इसका मतलब फिजिक्स इस बार इज्जत बताएगी बच्चों की, बायो तो भयंकर भैया इस बार, वो AR की लाइन लगी हुई है उधर, और जो फिजिक्स में गड़बड़ कर गया ना वो प्रमोद ये मान चल गड़बड़ हो गया इस बार कि फिजिक्स का, और मैं मानता हूँ अपना बच्चा, अपने कई बच्चों फोन है नाम नहीं कोट करूंगा, पूरे सही बहुत से बच्चों के, कि वो कह रहे बहुत वही पेपर था जो अपने DCA में था, जो अपने अपना कॉन्सेप्ट है ना टीचिंग वाला वो परफेक्ट उस पर अप्लाई हो गया है। क्या साहब सर आगे चलो, ये जो क्वेश्चन है ये लाडला क्वेश्चन है भाई, सीधी सी बात है,
पी और वी के बीच रुद्रोष्म प्रक्रम, क्या पूछा अगले ने? रुद्रोष्म प्रक्रम का ग्राफ पूछा है, तो मतलब रुद्रोष्म ग्राफ पूछा, देखो चौथा नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता, स्लोप खेच दो सेकंड थर्ड पे, इसमें ज्यादा है जो अपना आगे तो सेकंड का ज्यादा है, ज्यादा किसका है? सेकंड का। ये आंसर क्या हो गया भाई? सेकंड हो गया। ये लो जी बोलो, अरे बोलो भाई। यस सर, चलो आगे चलो। आगे है बस आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बोला कि ऊर्जा कितनी होगी, तो क्यू इक्वल टू अपन लगा देंगे सीधा सा पीटी, और यहाँ पर जो एक सेकंड में अपना निकल रहा है 100 किलोवाट, तो इसको 10^3 से गुणा कर देंगे, और एक घंटे का पूछा है तो जूल पर सेकेंड, तो वही 3600। तो ये सीधा क्यू इक्वल टू यहाँ से 3.6 × 10^6 है, 10^6 ये बस आ गया अपना 5, 7 आ गया, 7 कर, हाँ 7 हो गया, 7 हो गया, तो 4th हो गया। चले ओके, अब किसके आगे? आप ही के क्या? बोला जी के आओ, 1 × 3 = 5 = 7, 1 × 3 = 5 = 7, बिल्कुल सिंपल है। है पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे, 1 × 3 = 5 = 7। भाई जिसको ये नहीं आ रहा ना, जिसको जिसको ये उसको पीएमटी नीट छोड़ देनी चाहिए भाई। क्यों भाई? जिसको ये नहीं आता उसको नीट की तैयारी करने का कोई अधिकार नहीं है। चलो हाँ चलो आगे, चलो आगे चल रहा है। हाँ ये बताओ, अब इसके अंदर पूछा गया कि दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया आपसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट 12 साउंड का नियम हमें केवल धारावाही चालक के अत्यंत शुद्ध धारा अवयव की चुंबकीय शक्ति क्षमता के बारे में व्यंजक प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। सेकंड आपसे कह रहा है कि 12 साउंड इज एनालॉग, मतलब हिंदी में 12 साउंड का नियम आवेश 2 के गुलाम के विक्रम वर्ग नियम के अनुरूप है, जिसमें पहला एक अधिश स्रोत आइडियल द्वारा उत्पन्न क्षेत्र, ये गलत बोल दिया इसने, अधिश, ठीक है, जो वेक्टर क्वांटिटी आइडियल जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी, और यहां पे लिख दिया अधिश विद्या, मतलब इसके अलग बोल दिया है, तो उसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। मतलब फर्स्ट तो करेक्ट हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, ठीक है, तो सेकंड आंसर जाएगा इसका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एक मिनट क्या हुआ भाई, ये T3 का पेपर है और फिर से कहता हूं इसमें वो स्टेटमेंट आ गया, क्यों? तो क्या हुआ इसमें, फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग है, तो कथन फर्स्ट सही है, सेकंड आंसर क्या हो गया हमारा, सेकंड। चलो नेक्स्ट, चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल। यहाँ पे वेलोसिटी पूछी गई है, वेलोसिटी किसी मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है, देखो एक तो c लाइट वेलोसिटी का वाला v = √ ऑफ 1 μ 0 ε 0 ε 0, ठीक है, और किसी अदर मीडियम में वेलोसिटी v = 1 / √ μ * ε, इसका रेशियो निकाल लेंगे तो यहां से v आ जाएगा, v = हमारी टीचिंग को जो हमने लिया 2-3 साल से उसी की देने के आज हमारा बच्चा काफी चक्कर क्या रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 60 ग्राम का एक मास दे रखा है और बता रहा है कि इस पे गुरुत्वीय बल कितना लग रहा है, ये आपको दे रखा है 3 न्यूटन, ठीक है, मिस एफ की वैल्यू गिवन है और आपको यहाँ पे मास की वैल्यू गिवन है, जैसे अपन जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, और आपसे क्या पूछा यहाँ पे कि इस बिंदु पर हमें गुरुत्व क्षेत्र तीव्रता निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो जी के इक्वल ही होता है, जी, और जी यहाँ से अपन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, एफ बाई एम, ठीक है, आपको एफ की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, मास की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको एफ ये रहा मास, दोनों की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो सॉल्व कर लो, इससे आएगा आंसर 50 न्यूटन/किलोग्राम। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक मिनट वापस आना, वापस आना, पीछे करना, एफ एफ कितना है, फोर्स यहां पे 3 न्यूटन दे रखा है, मास ग्राम में, तो किलोग्राम में चेंज कर ले, अच्छा वो ग्राम में है वो, ठीक ठीक हां, मैं ठीक आगे चले, यहां पे अर्थ तरंग हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 है और आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछी गई है इसके अंदर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हम देखते हैं पल्स बनती है इस तरह से, ये इस तरह से ये पल्स होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है मेन इनपुट फ्रीक्वेंसी के सेम होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 है तो उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी भी 60 हर्ट्ज ही आएगी, ये फ्रीक्वेंसी भी यहां पे 60 हर्ट्ज होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट नेक्स्ट आए सर, अंदर सर आए हमारे, क्वेश्चन नंबर 21 काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, सो बबल अगर एक्सपैंड होता है तो उस केस में उसमें प्रेशर जो है वो किस तरीके से वेरी करेगा, देखो इनसाइड प्रेशर जो है सो बबल में पी इन इक्वल्स टू पी आउट प्लस 40 बाय इक्वल होता है, और अगर बबल एक्सपैंड होगा देन आर जो है वो इंक्रीज होगा एंड आर अगर इंक्रीज हुआ तो पी इन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, बुलबुला फैलता अंदर का दाब कम होता जाता है, नेक्स्ट वहां से आ जाएगा, हां
हाँ आ जाओ। रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन, देखो रेडियस ऑफ जायरेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, तो थिन यूनिफॉर्म डिस्क आपको गिवन थी और इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास जो है उससे प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उस एक्सिस से पास होने वाली जो भी एक्सिस के अबाउट जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है इसका, व्हिच इज एम के स्क्वायर, राइट। सो हियर के इज इक्वल टू आर बाय रूट 2, और अगर डिस्क का डायमीटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें व्हिच इज एम आर स्क्वायर बाय 4, तो एम आर स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू एम के डैश स्क्वायर, सो हियर के डैश इज इक्वल टू आर बाय 2। तो इन दोनों का रेशियो हमसे पूछा था, तो रेशियो अगर अपन लें तो आर बाय रूट 2 एंड अपॉन आर बाय 2, ओके, देन आंसर आ जाएगा रूट 2 बाय 1, यस सर। ऑप्शन आ जाएगा इसका फर्स्ट। ए मिटा आगे चलो, कर दिया हमने, कर दिया वो वहां से कर देंगे भैया। ओके, तो टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 एंड r1 इज वेरी ग्रेटर देन r2 हैव इक्वल चार्जेस, द पोटेंशियल वुड बी, पोटेंशियल पूछा था इसमें, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हम क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं कि जब होलो स्फीयर आपको गिवन हो, चाहे अंदर वाला स्फीयर कितना भी छोटा हो, आप चाहे चार्ज इस पे काफी स्मॉल दो और बाहर वाले पे चाहे कितना भी लार्ज दो, तो उस केस में पोटेंशियल अंदर वाले पे क्या होता है, ऑलवेज लार्ज होता है, राइट। इसमें ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, जिसके अकॉर्डिंग आंसर का क्या आ जाएगा, मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, छोटे गोले पर ज्यादा होगा। ए मिटा दिया, आगे चलो। ओके, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, यार ये बहुत सिंपल मतलब, लेकिन ये बच्चे पढ़ते नहीं है, पर दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की चीजें बच्चे पढ़ते नहीं आजकल, ये बहुत छोटा सा, लेकिन बच्चे तो क्या पढ़ते रहते हैं आजकल। हाँ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी दोनों के दोनों, लेकिन यूनिट जरूर होती है। यस सर, प्लेन एंगल की जो है वो सिंपली अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन से, एंड सॉलिड एंगल के लिए से रेडियन यूज करते हैं, तो यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है, बिल्कुल यूनिट नोट units but no dimension. Thank you dear, आगे चले। Two resistors 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in electrical circuit. The ratio of thermal energy developed in the 100 ohm to that in 200 ohm in a given time is. देखो थर्मल एनर्जी का रेशियो पूछा था, तो सिंपली पावर से इसको डील कर लीजिए, और दोनों दोनों जो है पैरेलल में कनेक्टेड थे, तो V जो है वो दोनों का सेम होगा, तो पावर का अगर रेशियो लें अपन P1 by P2, तो वो किसके इक्वल आएगा, V2 over R1 and V2 over R2. अपने गुरुनीति से बाहर एक क्वेश्चन नहीं है नीट में, तो ना अपने गुरुनीति के वीडियो थे ना, वो सारे पूरे के पूरे क्वेश्चन वहीं से हैं। थैंक यू डियर, आप आए पवन गुप्ता सर आए। तो अगला 26 क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन में आपको एक एंगुलर स्पीड दिया है फ्लाईव्हील की, जो कि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन आपको स्पीड का चेंज दिया है 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम, 16 सेकंड हुआ है, आपको इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। तो देखो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, यस। तो ओमेगा फाइनल कितना अपने पास 3120 माइनस इनिशियल कितना था आपके पास 1200, लेकिन ध्यान रखना है आरपीएम में, तो yes. कन्वर्ट करना पड़ेगा 2π. तो आरपीएम हो जाएगा 2π रेडियन में कन्वर्ट किया, और इधर 60 ये मिनट का सेकंड में कन्वर्जन कर दिया, डिवाइड बाय 16 टाइम लगा इसको, 16 इसको हम सॉल्व करेंगे अपना, तो अपना आंसर बन जाएगा इसका 4π। सही है भाई 4π, यस सर, आगे चले। अगला स्फेरिकल बॉल को आपने एक विस्कस लिक्विड में ड्रॉप किया है, तो उसमें वो फाइनल स्पीड जो गेन करेगा उसका टाइम के साथ वेरिएशन कैसे आएगा, तो इसका जो टाइम के साथ फंक्शन आता है स्पीड का, वो e^(1 - e^-) कुछ कांस्टेंट और टी के फंक्शन में होता है, इसके हिसाब से जो इसका ग्राफ बनेगा वो बी ऑप्शन बन जाएगा, मतलब ऐसे उसको टर्मिनल स्पीड के अंदर फिर बात जाके हो जाएगा, फिर हो जाएगा निश्चित हो जाएगा, क्यों हां, फिर शान वेग से गिरना स्टार्ट हो जाएगा फिर विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। हां भाई आगे चले, चलो अगला आता है 28, इसमें आपको एक ग्लास सरफेस जिसका रिफ्रेक्टेंट है रूट 3 दिया हुआ है, उस पे एंगल 60 पे आपको एक रे दी हुई है, और आपको बताना है कि इसमें रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर हम सिंपल अगर ब्रूस्टर रूल भी इसमें काम में लें या सिंपल स्नेल रूल भी काम में लें, तो उसमें आपको रे इस तरह से आएगी, ये कुछ पार्ट इसका रिफ्रेक्ट होगा और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट रिफ्रेक्ट हो जाएगा, तो इस केस में आप जो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको स्पीड दी हुई है कॉन्स्टेंट स्पीड 1.5, इसका टेंशन जो आएगा वो टेंशन कितना आएगा, स्पीड कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब टेंशन इक्वल्स टू टोटल एमजी के बराबर, तो ये टोटल एमजी इसमें हो जाएगा 20,000, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे 3000 न्यूटन का एक एक्सटर्नल फोर्स और दिया हुआ है जो कि रेजिस्टेंस फोर्स है, तो 3000 न्यूटन भी आपको टेंशन में जोड़ना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस फोर्स भी जोड़ेंगे
तो 3000 और जुड़ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 23000। अब हमसे इसमें पूछा है पावर ऑफ टेंशन, ये मोटर की पावर पूछिए, तो मोटर की पावर हम कैसे लिखाएंगे, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स कौन सा हो जाएगा टेंशन इंटू वेलोसिटी, ये आ जाएगा 23000 इंटू वेलोसिटी 1.5, सॉल्व करने पाएगा 34500। यस सर, इसमें गलती हो सकती है ना, 23000 पे बचा छोड़ सकता है इसको ना, हां बचा यहां से। चलो आगे चलो, एक मिनट फिर बता दो आंसर क्या है, पिछले इसका आंसर क्या 34500 है, ठीक है आगे चले भैया। अगला तीसरा क्वेश्चन, इसमें आपको मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन क्वेश्चन है, एक ब्लॉक दिया हुआ है एम मास का, उसको आपको ब्लास्ट करवाना है और उसके आपके जो हिस्से करवाने हैं वो एक है 2:2 और 1 के रेशियो में, तो ये 2 और 2 वाले वी स्पीड से परपेंडिकुलर जा रहे हैं, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं वी डैश, तो यहाँ पे मोमेंटम इक्वेशन फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम, फाइनल कैसे लिखेंगे 2 × v i k + 2 × v j k, और इसको हम मान लेते हैं 1 × v' वेक्टर फॉर्म में, और इनिशियल मोमेंटम 0 है क्योंकि शुरू में रुका हुआ था, तो इससे हमारे पास जो वी डैश आएगा वेक्टर फॉर्म में वो आएगा -2v i k - 2v j k, इसका फिर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √2 टाइम्स, बिल्कुल ये √2 × 2v, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अपना सेकेंड। ये बहुत प्रिय क्वेश्चन है यार, एक बम 3 टुकड़ों फटता है फिक्स है और लंबू जाता हो। चले आगे आओ, हमारे चार स्टार सर आए, आए सर। यस सीएलसी प्रश्न नंबर 31, ये डायमेंशन आ गया, बीमा का क्वेश्चन आ गया, जो दी गई बीमा है वो किससे रिलेटेड है, तो हम लोग अगर बात करें तो हम लोग मैग्नेटिक परमेबिलिटी जानते हैं, म्यू नॉट क्या होता है, दैट इज 4π × 10⁻⁷, कितना होता है -7, बट इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना m1 l1 t - 2, अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास कितना a2, ये आंसर हो गया, इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा m1 l1, आंसर कौन सा होगा -2 a - 2, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड सेकंड, क्या बात है, थैंक यू, आगे चले। ये एक मिनट पहले 31 था क्या, हो पिछाड़ा पिछाड़ा 31 हो गया, आगे 32 पे आओ, हाँ अब चलो, अपने पास एक कॉपर वायर के लिए डिटेल्स दी हुई है जिसमें कॉपर वायर की लेंथ दे रखी है, ये अपने पास L दे रखा है और उसकी रेडियस दे रखी है और रेजिस्टेंस भी गिवन है, करंट डेंसिटी इन द वायर अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अपने को दे रखी है, दैट इज 10 V/m, हम लोग जानते हैं अगर ओम्स लॉ से अगर चलते हैं तो V = क्या रहेगा हमारे पास IR, और हम लोग को कैलकुलेट करना है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या रहेगा J, दैट इज इक्वल टू कितना होता है I/A, तो पहले तो अपन यहां से आई कैलकुलेट कर लेते हैं V, अब V की बात करें तो अपने को यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है, V V क्या होता है फील्ड स्ट्रेंथ की टर्म में E × L, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा I × R, E की वैल्यू अपने को दे रखी है 10, L की वैल्यू दे रखी है अपने को 10, इधर बन गया I और रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है दैट इज 10, I 10 हो गया, यहां से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, इधर से J अगर अपन चेक करें तो ये बन जाएगा अपने पास I 10 अपॉन A एरिया, अब आपको रेडियस गिवन है, तो अगर अपन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो I ये कितना हो जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर, जिसमें अपन चलेंगे पाई, और अब R की जो वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ध्यान से रखनी है, ये बनेगा आपके पास 10⁻²⁻² अपॉन अंडर रूट पाई का क्या बनेगा यहाँ पर होल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म बनेगी अपने पास 10 अपॉन पाई, इधर बनेगा 10⁻⁴ अपॉन ये बन जाएगा अंडर रूट पाई का स्क्वायर, तो ये पाई पाई से पाई कैंसिल किया जाएगा ऊपर 10⁻⁵ आएगा। यस सर, चले आगे चलो भाई 33। यंग्स मॉडुलस में सॉरी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग को बात कर रहे हैं और हम लोगों ने वेवलेंथ चेंज करी है, एक बार इनिशियल वेवलेंथ अपने पास 600 नैनोमीटर है और अपने को फ्रिंज जो ऑब्टेन हो रही है वो 8 फ्रिंज ऑब्टेन हो रही है, और बाद में अपन ने क्या कर दिया है 400 एक मिनट इसको यदि अपन बिना ऐसे कहें 608 है क्या 48 तो 12 × 48 12 आंसर इसका सिंपल गुणा कर दो यार, बिल्कुल चलो आगे चलो 12 आंसर आएगा, आगे चलो डूब गई ना तो फिर तो भैया गड़बड़ हो गया इस उसके। हाँ जी, इस रिएक्शन में अपन ने अपने को एलिमेंट एक्स ऑब्टेन करना है जबकि अपने पास यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन इमिट हुआ है, तो इक्वेशन को अगर अपन बनाना चाहें तो यहाँ पर प्लस है तो चार्ज बैलेंस करेंगे तो अपने पास ये तो हो गया +1, और इधर से अगर अपन बात करेंगे तो इधर क्या बनना चाहिए 10, और पॉजिट्रॉन से जो ए है वो चेंज नहीं होगा तो 10 × 22, तो एक्स अगर अपने को नहीं भी पता है तो 10 और 22 रहने चाहिए इक्वेशन में। हाँ बेटा, तो बनेंगे आंसर नंबर 2 10 any 22। देखो मैं इसको अपने पिछले अपने करें
भाई ई प्लस है, इसके तो कुछ होता ही नहीं है ना, नहीं ये तो उसको होता ही नहीं तो ठीक है, कौन सा आंसर इसका फिर? इसका आंसर आएगा सेकंड, सेकंड, शाबाश, चलो आगे भाई, अगला साथी आओ भाई, सुखदेव चौधरी सर आए। स्टूडेंट्स अपन क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक अपोस नंबर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा 36 मतलब 20 स्टार्ट हो गया, ये तो बहुत शानदार रहा ना, चलो आगे चले बेटा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, ये अपना बिल्कुल एसी का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसके अंदर अपन क्या करेंगे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो अपन कैलकुलेट कर देंगे। तो अपने पास फॉर्मूला होता है F equals to 1 upon 2 pi root of L into C। अब यहां पे क्वेश्चन अपने को L और C दोनों गिवन है, अगर इन दोनों की वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो अपना सिंपल सा आंसर आ जाएगा 50 upon pi आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जो अपने को वोल्टेज दे रखा है इसका ओमेगा कितना दे रखा है अपने पास, 100। अपन जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है, तो यहां से भी अपने पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितना रहेगी, 50 बाय पाई आ जाएगी, कितना रहेगी 50 अपॉन पाई। अब देखो यहां पे सर्किट की जो अनुनादी आवृत्ति है जिसको अपन बोल सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और जो वोल्टेज है मतलब जो सर्किट है जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, तो अपन बोल सकते हैं यहां पर वी नो न्यू नॉट इक्वल टू न्यू इक्वल टू 50 अपॉन पाई, आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा, ठीक है, चले आगे आगे चलो। तो ये सिंपल सा डायमेंशंस का क्वेश्चन है, अपन सबके फॉर्मूले जानते ही हैं, अपन जानते हैं कि अपने पास में जो जी होते हैं जी कुछ भी क्या होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन क्या होता है एम स्क्वायर होता है, बीमा तो याद करने पड़ेंगे पुत्र सीधी सी बात, और इसके बाद में अपने पास में जो पोटेंशियल एनर्जी है यू, ये तो सिंपल एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन अपन जानते हैं क्या होती है एम वन एल टू टी माइनस टू होती है, और इसके बाद में पोटेंशियल अपन जानते हैं वी कुछ भी क्या होता है डब्ल्यू अपॉन एम होता है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं एम वन इसके बाद में एल टू टी माइनस टू और अपॉन क्या रहेगा आपके पास एम वन हो जाएगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं एल टू या आपके पास टी माइनस टू बन जाएगा, और इसी प्रकार से अपने पास जो इंटेंसिटी है ई, तो इसको अपन बोल सकते हैं ई इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन एम होता है, ठीक है ना, तो एफ अपॉन एम अगर अपन कर देंगे तो ये बन जाएगा अपने पास एल वन टी माइनस टू बन जाएगा, ठीक है ना, तो अगर अपन डायमेंशन चेक करेंगे तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर करेक्ट कर ले, तो टू टाइम स्पेस के अंदर हो जाएगा फर्स्ट, आगे चलो डियर। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 है, इसके अंदर अपने को दे रखा है कि ये वाला जो कैपेसिटर है इसको पहले अपन 100 वोल्ट से चार्ज करते हैं, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं इसका वोल्टेज अपने को दे रखा है C1 V1 आपको दे रखा है, इसके बाद में दूसरे इसको न्यूट्रल कैपेसिटर के साथ में अपन कनेक्ट करते हैं, तो यहां पर अपन कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो अपने पास में कितना रहेगा बताओ वी इक्वल टू क्या होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है, तो यहां पे जो V2 है वो अपने को 0 दे रखा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 50 वोल्ट आ जाएगा, दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल है तो दोनों के अंदर जो वोल्टेज है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मतलब दोनों आधा हो जाएगा वोल्टेज, तो 50 आ गया, और फिर उसके बाद में अपने पास ये जो अरेंजमेंट है इसकी एनर्जी आपको पूछ रखी है, तो अपन बोल सकते हैं यू इक्वल टू ये देगा आपके पास हाफ सी स्क्वायर आपके पास C1 जब वो क्या देगा C2 इंटू वी स्क्वायर, C1 भी कितना देगा अपने पास 900 पिकोमीटर पिकोफेरेड, और ये भी कितना देगा 900 पिकोफेरेड हो जाएगा, और वोल्टेज अपने पास में 50 आ गया, बाकी कैलकुलेशन आपको करनी है, कौन सा कैलकुलेशन करोगे तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा, ये थोड़ा चलो आगे चलो। इसके बाद में साइन थीटा सी इक्वल टू क्या देगा आपके पास म्यू टू इंटू साइन आर, तो ये कितना देगा साइन 90 बन जाएगा, अब अपन जानते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है सी बाई वी होता है जिसको अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास है सी अपॉन वी, तो फर्स्ट मीडियम में इसके अंदर वी आपको दे रखा 1.5 × 10⁻⁸ हो जाएगा, इसके बाद में इंटू ये हो जाएगा आपके पास है साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू टू को अपन क्या लिख सकते हैं म्यू टू को सी बाई सी बाई वी चले आगे चल पुत्र 39 पे 40 पे क्वेश्चन नंबर 40 देखो स्टूडेंट्स बिल्कुल आप पढ़ते हैं कि एचटीपी पे जो एक मोल गैस है वो 22.4 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो सबसे पहले अपने पास इसका वेट दे रखा 4.5, तो अपन एक काम करते हैं 4.5 केजी इसको 10⁻³ ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे
मोलिकुलर वेट कितना होता है 18, इससे अगर अपन इसको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास 250 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। और अपन जानते हैं कि एक मोल है वो कितना 22.4 हो गया, तो ये अपने पास जो 250 है इसको अपन 22.4 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 5600 ये लीटर आ जाएगा। और अपन जानते हैं कि 180 को स्टोर होता है 10^-3 मीटर क्यूब, तो 5.6 थर्ड आंसर हो गया इसका, आपका इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 40 तक हो गया, थैंक यू। आगे आए हमारे सवदेश अग्रवाल सर आए, चलो पुत्र 41 पे ये लो, ये पकड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहां पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना था हमें कि जो एंगल है वो वर्टिकल डायरेक्शन, ये बहुत काम आया, ये क्वेश्चन दंगल में था, ये हमारा विवेक वहां गलत करके आया था और पक्का से करके आया, ये क्वेश्चन था दंगल में जिसने उसको उधर से एंगल दिया था अपन ने और वो अपने एक क्वेश्चन अपने उसका क्वेश्चन बचा गया शायद, मुझे लगता हूं। हां तो तीस हो गया, फिर कौन है, हाँ 30 हो गया, 30 हो गया। और यहाँ पर हम जानते हैं कोस होता है बस, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी होती है तो ये यू कोस 30 लग जाएगा। हाँ ये हमारे को 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, कोस 30 तो हाँ 10√3/2 और ये हमारे पास आ जाएगा 5√3। क्यों भाई पर ये सुंदर क्वेश्चन है और ये अपने दंगल में था और मुझे आज भी याद, उस टेस्ट में विवेक का एक गलत हुआ था, ये गलत हुआ था, क्या बात है। आगे चल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें आदर्शन और रीजन दे रखे हैं। आदर्शन इज द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। तो जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेचिंग के दौरान जो हमारी स्प्रिंग होती है वो ट्विस्ट होती है, तो ट्विस्ट होती है तो इसका मतलब शियर मॉडुलस हमारा पिक्चर में आता है, यानी हमारा आदर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसका अगर हम रीजन देखें तो रीजन हमें दिया हुआ है कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन अ स्टील स्प्रिंग ऑफ द सेम डायमेंशन। देखिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि कोई चीज कितनी एक्सपेंड हो सकती है, जो स्टील है वो कॉपर के मुकाबले कम एक्सपेंड होती है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो रीजन है हमारा वो रॉन्ग दे रखा है, इसकी जो स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो इस वजह से हमारा जो रीजन है वो रॉन्ग है और हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा सेकेंड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा भाई। सही है क्या सेकेंड ऑप्शन कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ये व्याख्या का चक्कर नहीं सोच सेकंड सही कर दे, चलो आगे चलो भाई। 43 नंबर क्वेश्चन है, टू पेंडुलम लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट सम इंस्टेंट द टू आर एट देयर मीन पोजीशन, सेम सेम आ गए तो सेम वो आ गया, फ्रिंज वाला आ गया तो क्या होगा बताओ। तो बस वही n1 t1 इक्वल टू n2 ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो गए हमारे पास में, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड हम जानते हैं ये होता है रूट ऑफ एल के, तो वो रूट एल जाएगा सीधी सी बात है, ये रूट एल टू हो जाएगा। एन वन हमारे को मान लीजिए ये बड़ा वाला हमारा पेंडुलम जो है इसके लिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 121 और ये छोटे वाले पेंडुलम के लिए ले लेते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो ये 100, तो अगर N1 बाई N2 मैं निकालूंगा तो ये बन जाएगा √100 बाई √121 यानी 11/10। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो छोटे वाला जो हमारे पास में है उसके लिए पेंडुलम के लिए जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशन आएंगे वो कितने आ जाएंगे 11, यानी 4th ऑप्शन। भाई सीधी सी बात है वो ज्यादा हिलेगा कम हिलेगा, 11/10 पे आके ये एक हो जाएंगे, दोनों सेम कॉन्सेप्ट आ गए, वो फ्रिंज वाला था सेम, दोनों सेम कॉन्सेप्ट दो क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट नेक्स्ट इज 44, अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 100,000 टर्न एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट 2 रेडियन पर सेकंड If the vertical component of the earth's magnetic field at that place is 2×10⁻⁵ Tesla, the electric resistance of the coil is 12.56 ohm, then the maximum induced current. So maximum induced current, बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास में Emax divided by R. Emax हम जानते हैं induced current के लिए होता है NBA omega divided by R. सारी values मैंने हमें दे रखी हैं, सारी values हम बस सीधा क्वेश्चन, लाइट क्वेश्चन है। एन ए बी ओमेगा अपॉन आर कर देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज 45, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारा डाइपोल से आया हुआ क्वेश्चन है। टू पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर पेयर्ड एट ए डिस्टेंस एल एज शोन इन द फिगर, और हमें साथ में दे रखा है कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो हम जानते हैं कि चाहे हम एक्सिस पे लें चाहे इक्वेटोरियल पोजिशन पर लें जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इक्वल टू के पी वाई आर के बोल जाते हैं। नेक्स्ट आए हमारे प्रमोद ढाका सर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 46, ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 125 एंड 64, रेशियो ऑफ रेडियस, बिल्कुल रेडियस जो है न्यूक्लियस आर 1/3 तो 125 का 5 और इसका है
एग्जाम ही आएगा। देखो बच्चों एग्जाम में क्यूब ऐसा नहीं आता, निकालना नहीं आता अपने को, यहाँ 120 नहीं आएगा, 125 ही आएगा या 64 ही आएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फिजिक्स को मैं तो बहुत कम पढ़ाता हूँ यार, फिर भी मेरे खोपड़े में तो सेटे हैं। मैं कह रहा था बच्चों से, मेरी टीम से भी, यदि आपने एक बार सब्जेक्ट को एग्जाम लेवल पढ़ाना सीख लिया ना, तो एग्जाम कुछ आता ही नहीं है। आपके सामने उत्तर निकल रहे पटपट पटपट हो रहा है, देखो मैं पेपर देखा भी नहीं मतलब जब तक। बोलो बजरंगबली की जय। चलो आगे चलो प्रमोद जी। क्वेश्चन नंबर 47 कि फ्रॉम एम्पियर सर्क्यूलर लॉ फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ स्टेडी करंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द रीजन। तो किसी भी वायर के लिए यदि अपन इनसाइड में बात करते हैं तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बाहर इनवर्स होता है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये क्या, देखो ये पेट फॉर्मूले है और ये आप पढ़ो, देखो सारा खेल मेहनत का है और मेहनत इस बात छोड़ने की है, बोला जी अपने छोटे छोटे पढ़ाई की है, जो मेहनत करके ठोक के आ गया। फिजिक्स का पेपर आसान नहीं भैया, फॉर्मूले याद होना ये होना, लेकिन जो मेहनत की है ना, मेरी आत्मा कह रही देर रात तक अच्छी रिजल्ट अपने पास आएंगे, वो चुनाव कहते हैं ना देर रात रिजल्ट अच्छे आएंगे, परिणाम पक्ष में आएंगे। हाँ कौन सा पुत्र, कौन सा पता मिटाओ इसको, तार की सीमा दूरी आर के रूप में सरल रेखीय बढ़ता है उसके बाद इनवर्स, बिल्कुल सही है ऐसे। ठीक आगे चलो क्वेश्चन नंबर 48, ये ट्रुथ टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन है। यदि अपन इसका फंक्शन बना ले, देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर अपने पास b है, तो ये अपने पास नैंड गेट लगा हुआ है, तो a डॉट b बार हो जाएगा, और इस वाले में बात करेंगे तो ये नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये a बार हो गया और यहाँ से b आ रहा है, तो इट इज a बार डॉट b और इसका भी बार। अब यहाँ पर एक एंड गेट लगा हुआ है, तो इसमें जो फंक्शन जाएगा एंड गेट में दैट इज a डॉट b बार डॉट प्रोडक्ट विथ a बार डॉट b बार। तो यहाँ से यदि अपन इसको ब्रेक करना चाहें तो a बार प्लस b बार डॉट प्रोडक्ट विथ a डॉट a प्लस b बार। अब अपन ट्रुथ टेबल से दूसरी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं साथ में a बार प्लस a बार और b बार की, तो a बार और b बार की यदि अपन ट्रुथ टेबल बनाएंगे दिस विल बी 1100 दिस इज 0 1 0 1 0, तो इसके बेसिस पर अपन डाटा को ठीक a बार और b बार के टेबल। अब पहले ये टेबल बनानी पड़ेगी फिर ये टेबल बनानी पड़ेगी, तो इसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करेंगे थोड़ा बड़ा है सेकंड वाला, ये बड़ा है थोड़ा सा, वो उसमें जो छोड़ सकते हैं उसमें, लेकिन हाँ ये लॉजिक गेट इतना लंबा लॉजिक गेट फिर भी ठीक है। नेक्स्ट 49 एक बढ़िया क्वेश्चन और एनसीईआरटी के एग्जांपलर के स्टेटमेंट्स उठाया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जांपल 3.10 नंबर एग्जांपल उत्तरी उसका, हम लोगों ने देखा था चेक कर रहे थे और क्वेश्चन भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा है, तो बढ़िया क्वेश्चन है और उस एग्जांपलर से लिया हुआ क्वेश्चन है कि एक वीट स्टोन बेस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंसेस एक्स वाई एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस वाई एज शोन इन द फिगर for the most precise measurement of x the resistance p and q। isme statement mein thoda sa na precise ki jaye accurate hota to zyada acha question hota hai, fir bhi jab apan resistances yadi ye small resistances lenge to is battery se flow hone wala current zyada hoga, to us case mein chote se variations mein bhi galvanometer ka deflection dikhega aur us case mein apne ko pata chal jayega ki bhai reading mein error hai ya nahi hai, लेकिन प्रॉपरली मैच हुआ नहीं। लेकिन यदि अपन रेजिस्टेंसेस बड़े ले लेते हैं तो उस केस में इसमें से फ्लो होने वाला करंट कम होगा, करंट कम फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर से भी करंट कम फ्लो होगा, तो यदि करंट फ्लो कर भी रहा होगा गैल्वेनोमीटर से तो हमें उसका पता ही नहीं चलेगा कि गैल्वेनोमीटर में एरर रीडिंग आई है या नहीं आई है, तो रेजिस्टेंसेस जो है वो स्मॉल होने चाहिए और अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने चाहिए, उस केस में इनमें एरर भी कम आती है। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड स्मॉल। और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50 ये बहुत इजी क्वेश्चन, दो क्वांटिटीज गिवन है और उनको मल्टीप्लाई करना है, सार्थक अंक भी आ गए सार्थक अंक। एक बात गौर किया अपन ने, हर पॉइंट कवर किया, केमिस्ट्री में देख रहा था अभी बायोमोलिक्यूल पॉलीमर डेल लाइफ छह क्वेश्चन वहां से सार्थक अंक भी आ गया, इस बार एरर भी क्वेश्चन नहीं है, इस बार 12th वाले क्वेश्चन पे ज्यादा है, तो इसमें दो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी वाला ज्यादा हमारे एक क्वेश्चन है, पूरी हीट का एक क्वेश्चन अपडेट में पढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन आया वो भी इतना गहला आया कि उसमें वो आइडेंटिटी वाला देखना है। इसमें सेकंड वाला जो आंसर थर्ड वाला जो आंसर वो करेक्ट आंसर। थैंक यू डियर, इसी के साथ हमारा पूरा आ जाओ सबका साथ में, एक साथ सभी साथी आ जाए इधर से। तो ये हमारे प्रमोद ढाका जी हैं जो कहने की बात ही नहीं है, दोनों एक शानदार टीम मेंबर हैं बैठे, थैंक यू। ये हमारे पवन गुप्ता जी हैं और फिजिक्स में पूरी बंदा फिजिक्स पार्ट लेता है, थैंक यू पवन गुप्ता जी। ये हमारे जय सिंह जी हैं, हमारे लाडे स्टूडेंट हैं, टीम के पार्ट हैं। ये हमारे सौदेश अग्रवाल सर हैं, बिल्कुल एक युवा टीम के प्लेयर हैं बहुत जोरदार वाले। ये नरेंद्र भाई स्टूडेंट है, नाइटी पास आउट है, अभी टीम में जुड़ा अच्छा काम कर रहा है, थैंक यू। ये किशोर हैं, अभी स्टूडेंट सीएलसी के, ये सब वो चेहरे हैं जिनको आप बहुत प्यार करते हो। ये हमारे चाष्टा जी हैं, बहुत ही क्यूट से हमारे टीम के मेम्बर हैं। ये हमारे बोड़ा जी इस टीम के जामवंत हैं, पुराने प्लेयर हैं साथी, और सब इनके नेतृत्व में सब लोग बहुत अच्छा हमेशा काम करती रहती है। ये हमारे मुँह छड़े बोलते हैं प्यार से हमारे अंजनी सर, ये हमारे
जोधपुर ब्रांच से पिछले 8-10 साल हो गया ना, एक अल्टीमेट टीम मेंबर हमारे ये, ये हमारे गौरीशंकर सर हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मेच्योर और एक सुलझे हुए टीचर, अपने सब्जेक्ट के साथ बहुत अच्छी ईमानदारी से आप लोग काम करने वाले। ये हमारा लाडला सुखदेव है, बिल्कुल आप सब जानते हैं, इससे वो चेहरे हैं जिनको सब जानते हो आप लोग। ये हमारा रोज है, तेरा तो नंबर नहीं है वो अच्छा सी, ये महेंद्र रोज है, बिल्कुल सिलसिल है, एक अच्छा टीम मेंबर है। ये हमारे महावीर सर है, अभी इससे पहले हमारे साथ थे, वापस वैसा जुड़े हैं अभी, महावीर सर हैं। ये प्रदीप जी हैं, अभी इसी साल हमारे ग्रुप में जुड़े, थैंक यू सर। सुधांशु अभी इस टीम जुड़े हैं, थैंक यू सर। 2-3 साल पर एबसेंट हैं हमारे भागवत सर, सर के सी सर, वो इधर उधर कहीं भ्रमण कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, अब बायो की टीम आ रही है। तो बायो की तो शुरुआत बाबूलाल जी करेंगे, कहने की बात ही नहीं, किसी की हिम्मत ही क्या है बाबूलाल जी के सामने कुछ शुरुआत कर ले। आए बाबूलाल जी, तो आप लोग जाएँ फिजिक्स वाले अपना। बाबूलाल जी ने अच्छा आपके लिए डिनर की, क्यों बाबूलाल जी भोजन बनाया कि नहीं बनाया बाबूलाल जी? हाँ भाई, भोजन करके जाएंगे सब लोग। चले भाई, इतना टाइम नहीं भाई, इतना टाइम नहीं, 151 से स्टार्ट, जल्दी करें। थर्ड आइक लगा ले, आए सर। तो अब दोस्तों हम बोटनी बायोलॉजी के जा रहे हैं, सोलह तरफ बायोलॉजी के जा रहे हैं, और बायोलॉजी में छोरी का मामला बड़ा लंबा चौड़ा होता है। शुरू करें भाई, तो 151 से स्टार्ट कर रहे हैं, बोटनी आपकी है क्या? हाँ, तो बायोलॉजी शुरू करनी पड़ेगी भाई। हाँ, क्वेश्चन 151, इन जीन थेरेपी ऑफ एडेनोसिन डीएनएज डिफिशियंसी द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजर्ड लिम्फोसाइट बिकॉज। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इन इंट्रोड्यूस इन टू सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, नहीं होगा। लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट आर नॉट इमोर्टल सेल्स। तो यहाँ थर्ड हो जाए, उस तरफ पर्दा खाली करें पूरा। ओके डियर, शुरू कर ले भाई। तो T3 का हम क्या है सॉल्यूशन, ये हमारा पेपर का 151 नंबर है। अपना पेपर मिलाएं भाई, क्यों बच्चों जो रहेगा भाई, पेपर को आगे पीछे करने में पूरी टीम आ जाओ बायोलॉजी की भाई। तो ये पेपर को आगे पीछे करना है, तो ये क्वेश्चन आपका है एडिनोसिन एडीए की कमी में जीन, इसका आंसर दिया आपने आनुवंशिक इंजीनियराइड लसीकाणु अमर कोशिका नहीं है, आंसर हो गया। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। इन सिटू कंजर्वेशन रेफर टू स्वस्थ संरक्षण का संदर्भ है। हाँ जी, तो जो इन सिटू कंजर्वेशन होता है वहां पर्टिकुलर नेचुरल कंप्लीट एक एरिया का अपन कंजर्वेशन कर देते हैं। तो कंजर्वेशन ओनली हाई रिस्क स्पीसीज नहीं होगा क्योंकि एक्सिट्यू है, कंजर्वेशन ओनली एंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं होगा, कंजर्व ओनली एक्सटिंक्ट स्पीसीज नहीं होगा, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, यानी अपन एंटायर इकोसिस्टम को कंजर्व करते हैं। आंसर 4 होगा, 4th आंसर सही होगा। ये कहां से है? इकोलॉजी। आप मुझे बताते रहे किस टॉपिक से आता है कि मेरा सेटअप हो जाए माइंड की, क्वेश्चन कहां से कितने हैं। पहला क्वेश्चन किसका था? पहला क्वेश्चन बायोटेक का था, बायोटेक का था, ये इकोलॉजी का। नेक्स्ट आए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन। ये बाबूलाल जी ध्रुवजी का आ गया, ये बिल्कुल एंडोक्राइन सिस्टम से आया हुआ क्वेश्चन है। एआर दे रखा है, ऑस्टियोपोरोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर, बिल्कुल ठीक बात है। मेनोपॉज के बाद में ये चीजें कंडीशन देखी जाती है। कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज लेवल नहीं डिक्रीज लेवल आएगा यहाँ पर, तो रीजन इसका गलत हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें असर्शन तो सही है, रीजन गलत है, आंसर चला जाएगा असर्शन इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, आंसर नंबर मतलब ए सही है आर गलत है, बिल्कुल कथन तो सही है कारण गलत है। ये भाई सब सुनते आंसर है, बायो इस बार बृंदा है भैया, बायो गड़बड़ करेगी इस बार। तो भैया सुनो बायो वाले टीम मेंबर, फिजिक्स सही कर गया ना वो बायो कवर कर जाएगा, और फिजिक्स भी गड़बड़ कर गया तो बायो तो वैसे धोखा देगी इस बार, तो वो लड़का फिर उसके रैंक वैंक में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। फिजिक्स में 45 के 45 सही, बहुत से बच्चों के, मैं अपनी कोचिंग की बात नहीं कर रहा, देश में बहुत बच्चों के सही होंगे। और जो बच्चे टॉप करेंगे, पहले से 4-5 हज़ार बच्चे होंगे ना, उनके तो करीब के सर्वे से 40 पूरे सही होने हैं। केमिस्ट्री का देखा मैंने सीन बहुत अच्छा सा है, अब बायो में कितना ये कंट्रोवर्सी करता है ना, रियल में एम्स का फील आया इस बार, क्यों। नेक्स्ट आगे चले, टिटेनी मायस्थेनिया ग्रेविस, ये मिक्सअप क्वेश्चन है और ये मूवमेंट और लोकोमोशन में डिसऑर्डर में दिया भी हुआ है, करेक्ट पूछा है अपने को, करेक्ट मैच बताना है। टिटेनी हाई कैल्शियम लेवल कोजिंग हाई नहीं लो आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया आपने, से करेक्ट पूछा है, ध्यान रखना इस बात पे। मायस्थेनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर, इनको उल्टा लिख दिया है दोनों में, ऑटो इम्यून ऊपर आ जाता है, जेनेटिक नीचे आ जाता है, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, आपका सही क्या हो गया, 4th आंसर। ओके नेक्स्ट आगे चले भैया, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पूछी है, हायरार्की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, वैसे तो देखा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर में कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन
फिर भी अगर ऑप्शन अपने को मैच करना होगा तो अरे फालतू क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए था, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में मिस्टेक हो गया। पर अपन फिर टीम का आंसर क्या बने किसका? फोर आंसर। एक बार टीम इधर इधर बैठो ताकि मेरी आई पीछे आगे कैमरे का आई होता रहे मेरा, नहीं तो मैं बात नहीं कहा ऐसे। यहाँ आगे जाओ ना, एक आदमी आगे जाओ, पूरी टीम लगी हुई बैठ जाओ भाई, लाइव चल रहा प्रोग्राम, जिसको जहाँ जगह अपने आई कॉन्टेंट में मजा। हाँ भाई सुनो, पूरी टीम क्या कह रही है, क्या कहना पूरी टीम का कि हमारे हिसाब से ये मतलब जोरदार नहीं है, पर आंसर फोर देंगे अपने। आंसर फोर है ना, ये फोर्थ हो गया। चलो आगे चलो, रिगार्डिंग मियोसिस। रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ मियोसिस सेकंड, रॉन्ग हो गया, क्योंकि मियोसिस में एक बार ही रेप्लिकेशन होता है और वो मियोसिस फर्स्ट इंटरफेज का एस में होगा। वो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर इन मियोसिस फर्स्ट, करेक्ट है। फोर हैप्लोइड सेल आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, करेक्ट है। देयर आर टू स्टेज इन मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पर आपका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट क्या हो गया, फर्स्ट। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। एक प्रभु क्या कहना चाहते हो, आंसर क्या हो गया इसका, फोर्थ। फर्स्ट मिला लो भाई, बच्चों पेपर आगे पीछे कर लो बेटा अपना, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कोड है, हम तो किसी एक कोड का कर पाए सॉल्यूशन। चले आगे आगे चलो, 157 पे आओ। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर, व्हाट विल बी द एप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर। देखिएगा अपन 2n इक्वल्स टू 46 का अपन कैलकुलेट करते हैं, तो 6.6 इनटू 10 डी पावर 9 मल्टीप्लाई 0.34 इनटू 10 डी पावर माइनस 9, तो अप्रोक्स 2.2 मीटर। अब आपसे हाफ का पूछा है, तो 3.3 इनटू 10 डी पावर 9। ये आंसर कितना है इसका? हाँ भाई सही है, डन, फोर्थ नंबर कर दें। ये लो चलो आगे। हाँ सर, द कोएगुलम फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन, ये बिल्कुल गलत हो गया, थ्रोम्बिन नहीं फाइब्रिन होना चाहिए था, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट या आरबीसी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें पहला गलत दूसरा सही हो, पहला कह रहा है दोनों ही इनकरेक्ट हैं, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट वन करेक्ट, रॉन्ग हो गया, फर्स्ट इनकरेक्ट हो और सेकंड करेक्ट हो, ऑप्शन नंबर जाएगा थर्ड। क्या करना चाहते हो, थर्ड ऑप्शन? फर्स्ट कथन तो गलत है जी, और कथन सेकंड सही है, सही है। फिट है भैया? बिल्कुल, आंसर नंबर थ्री। हाँ भाई पूरी टीम एग्री है, यस थैंक यू, आगे चलो नेक्स्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो कथन है। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसका साइज जो है 0.12-0.3 माइक्रोमीटर। देन माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विद सेल वॉल, रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो देर सेल वॉल लेस सिंपलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं, सेल वॉल लेस सिंपलेस्ट मोनेरन होते हैं, तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया और फर्स्ट सही है। तो यहाँ फर्स्ट करेक्ट, टू 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 सेकंड हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। आंसर क्या होगा, सेकंड, कथन फर्स्ट तो सही है, सही है, क्यों भाई, और सेकंड गलत है, आंसर क्या होगा, सेकंड। चलो आगे चलो भैया। If a Drosophila, a laboratory population of 80 died during a week, the death rate in the population is individual per Drosophila. तो ecology का question है, यहाँ से death rate को find out किया है, death rate, और यहाँ पर है 8 की death हुई एक week के अंदर, कितने पे, 80 पे, तो 8/80 0.1 per Drosophila per week, तो यहाँ पर answer क्या हो गया, 4। चले आगे, ये question आया तो बहुत simple से है, इसलिए पूछा है। ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस माल्टोज, इफ द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6 देन व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज का जो फॉर्मूला है यहां पर आपका होगा C12H22O11। चलो थैंक यू, आगे चले आ जाओ। यस, टेगमिना ऑफ कॉकरोच की बात कर रही है, अराइज फ्रॉम कहां से होगा, तो आगे के पंखों की बात कर रहे हैं, मीजोथोरेक्स, डायरेक्ट आंसर चला जाएगा। हाँ भाई फर्स्ट, जवाब दो सब लोग, बिल्कुल यस। चलो आगे, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इम्यूनो सब्सक्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, आप समझ सकते हैं कि ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। फोर्थ कर दे, चलो आगे, आप दो लोग बाकी लोग नहीं आएंगे क्या?
नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट की बात कर रहा है। सेवेज के केस में ऐसा होगा और एविज इनमें से देख लें कौन सा है क्रिस्टस और पिकॉक के लिए आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट वापस पीछे कौन सा था 164 आंसर नंबर थ्री कौन सा प्राणी नाइट्रोजन अपशिष्टों की गोलिकाओं या पेस्ट के थर्ड। चलो अगला साथी आओ आए नेक्स्ट साथी भेजो नेक्स्ट को माइक लगाओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेक्स्ट को माइक लगाओ जुलोजी अंदर जुलोजी आ ये क्वेश्चन किसका जुलोजी का आए सब लोग आए भाई इस बार सबसे सभी गाना भाई सभी लोग बिल्कुल आपकी पीपीटी पूरी तैयार नहीं थी क्या 100 तैयार नहीं थी क्या 100 करनी चाहिए थी। चलो क्वेश्चन नंबर 165 इनमें से पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द सीक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है पहला डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसमें से आपको ये फंक्शन जो नहीं होता है वो बताना है। इसमें से आप देखोगे तो सारे फंक्शन है वो सलाइवरी ग्लैंड का कंप्लीट करती है लेकिन तीसरा जो फंक्शन है डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड ये नहीं होता है क्योंकि डाइसैकेराइड एंड प्रोडक्ट बनता है। तो करेक्ट आंसर इसका किस पार्ट का है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है जो अपने वो सिस्टम बोलते हैं जी बॉस। यस थैंक यू डियर आगे चलो देखो बिल्कुल सिंपल पूछा है ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन हेल्थियर तो सीधा जाएगा आपका बायो फोर्टिफिकेशन जो प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन है कर दे पैक बिल्कुल 166 का। सुनो भाई जो पेपर अलग अलग अपना चेक कर लो भाई आपका पेपर कहाँ कहाँ है ना नेक्स्ट आगे हाँ जी ये किसका है ह्यूमन फिजियोलॉजी का फिजियोलॉजी आ गया ठीक है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट The function of the conducting part of the respirator. यहाँ पर conducting part को आपको zoom करना है कि conducting part का कौन सा function नहीं है। इसमें तीसरा जो function है provide the surface for the diffusion. ये basically respiratory system का function है यानी कि respiratory zone में होता है। इसलिए correct answer इसका जो इसको function नहीं होगा वो हो जाएगा third. तो correct answer आज का बड़ा जी third. चलो भाई आगे चलो ये किसका भाई next ये evolution में से आया हाँ natural selection आ जाओ आप आ जाओ आ जाए बिल्कुल हमारे पास पूरी भाई जी एक भरमार टीम है सब लोग तैयार रहे सभी साथियों का परिचय कराना सब लोग तैयार रहे कमांडर सर बिल्कुल एक्टिव रहे हाँ जी ये बॉस इवोल्यूशन का क्वेश्चन है इसमें नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बोला है और इसमें कहा है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो स्पेसिफिक कैरेक्टर की मीन वैल्यू के अलावा कौन सी वाली वैल्यू पे जाता है तो उसमें देखे तो हमारे पास में अगर दोनों वैल्यू जाए तो डिसरप्टिव जाता पर इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्शनल क्योंकि चलो नेक्स्ट आया ये किसका है ये टॉपिक सेल बायोलॉजी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द ईआर इनकरेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है एसईआर डीओ यार एक तो में ज्यादा इनकरेक्ट पूछे हैं केमिस्ट्री सर इनकरेक्ट पूछे स्क्रेट को नहीं पूछा बेटे ने हां फिर से बोलो एक बार ईआर के रेस्पेक्ट में आपको इनकरेक्ट को क्या करना है सेलेक्ट करना है तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एसईआर डिवाइड ऑफ राइबोसोम बिल्कुल सही है इन प्रोकैरियोट ओनली आर ई आर आर प्रेजेंट तो बिल्कुल क्या हो गया गलत हो गया प्रोकैरियोट में आर ई आर नहीं होती है तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट ये इनकरेक्ट था इसलिए सही हो गया यार ये तो वहां सर्विस इस बार गड़बड़ करना पड़ा है आगे चलो 170 किस पार्ट पोर्ट बताओ पार्ट कौन सा जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला जो पार्ट है उसका है 12th क्लास के यस सर तो इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को ध्यान से समझिएगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एक कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट ऑन सेल्स एज ए फॉरेन बॉडीज यानी खुद की ही सेल्स को फॉरेन बॉडीज की तरह कंसिडर कर लेती है तो ये बिल्कुल सही बात है और जो सेकंड है रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक इट्स सेल्फ सेल तो ये बात गलत होगी क्योंकि इसमें वो अटैक करती है तो मतलब इसमें स्टेटमेंट वन इज करेक्ट और स्टेटमेंट टू इज एक मिनट पुत्र एक नंबर सही तो सही हो गया दो नंबर गलत हाँ वैसे तैयार है जो भी साथ इसको देख रहे हैं एक नंबर सही है और दो नंबर गलत आंसर क्या हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन पैक कर दो जी चलो आगे चलो ये क्या है ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है इसमें ये बोला है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर करता है टिश्यू को तो नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में 5 ml डिलीवर करता है तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर आंसर ऐसे ही कितना है पूरी और आगे चलो वोट नहीं आओ मनोज सर ये हमारे मनोज सर है हाँ In a E. coli strain, I gene gets mutated and its product cannot be bind the inducer molecule. Its growth medium is provided with lactose. What will be the outcome? तो यहाँ silent mutation होगा और silent mutation होगा तो यहाँ आप क्या कहोगे ZYA gene will not be translated. तो यहाँ ZYA gene जो है वो translated नहीं होगा. Second सही कर दे. Yes. कर दिया. चलो आगे. 173. ये हमारे तंदरेसर का आ गया हाँ जी हाँ ये क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें कशेरुक दंड की दोनों निकटवर्ती कशेरुकाएं हैं, उनको आपस में कौन सी जोड़ती है? तो कार्टिलेज होगा इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, फर्स्ट कार्टिलेज। यस, चलो आगे चलो भाई। 174 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। इसे दो दिए गए कथन है जिनमें एक अभिकथन है दूसरा कारण है। पहला दे रखा ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद दे रखा नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स, ये भी करेक्ट है। तो ये इसका दोनों एसर्शन रीजन करेक्ट है और आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये है। ये तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो क्या जाएगा, फोर्थ आंसर इसका, एम्स का फील मतलब करेक्ट दोनों सही है और क्या भी सही है। हां एक मिनट रुको भाई, यहां गड़बड़ हो जाएगी अपने से, बोथ आर करेक्ट और आर करेक्ट ऑफ ए। आपको ध्यान होगा ना जब एम सेलेक्ट से होता था कट ऑफ 50, ये एनसीईआरटी की लाइनें दे रखी है, नहीं कट ऑफ 50 पे लगा देते थे उस समय, ये 600 नहीं होती थी वहां। अगला लो भाई, और फिर वही नेक्स्ट क्वेश्चन 175 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, ये करेक्ट है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है स्टेटमेंट इन द, इसमें दे रखा है स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ये इनकरेक्ट है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स की फॉर्मेशन नहीं है, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स की फॉर्मेशन है, वो स्पर्मियोजेनेसिस है, तो ये इनकरेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट है, तो उसके हिसाब से आंसर क्या जाएगा, पहला सही आंसर आ जाएगा, सेकंड बोल रहा ना लॉक करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड। देखो दोस्तों इसको बोलते हैं टीम, क्या जोरदार टीम काम करती है सीएलसी बच्चों के लिए। आइए नेक्स्ट बोटनी, आए भाई बोटनी कौन, आओ बोलो सर आप आ जाओ। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम में आपके कौन करता है, कॉनिडिया, तो आंसर जो जाएगा वो आपके कौन सा जाएगा, फर्स्ट। सही हो गया कि कहां से है टॉपिक का नाम क्या है, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपकी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का है। थैंक यू डियर, आगे चलो 177 ये क्या है, जूलॉजी, आए आओ दादी सर आए। ऐसा पूछा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा सही है और ओजेनेसिस के लिए कौन सा गलत है। फर्स्ट है इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड गैमेट, ये दोनों के लिए ही है। डिफरेंशिएट ऑफ गैमेट अगर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस, फिर मियोसिस अगर कंटिन्यूसली इन द माइटोटिक डिवीजन डिवाइड स्टेम टू पॉपुलेशन एंड इट कंट्रोल बाय द यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट बाय द इंटीरियर यूटिलिटी इट इज इन टू प्यूबर्टी। इसमें देखो पहले तो ये देख रहे सही नहीं है, हाँ पहले तो ये पूछा सही किसके लिए, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के क्या सही है और ओजेनेसिस के लिए कौन सा गलत होगा। इसमें तीन नंबर देखो, इसमें बी मतलब बी सी ई ये गलत है स्पेशली ओजेनेसिस के लिए। अच्छा दो चीज एक साथ, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, ओजेनेसिस के लिए गलत है, मतलब हाँ तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। ये बड़िंदा है तो गड़बड़ है बिल्कुल, मतलब काफी मतलब लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा अगर बच्चों ने, तो इसमें है ना वो सही के हिसाब से है ना सी और ई करके आए होंगे और ज्यादातर बच्चों के सी। ये गलत हुआ घबराना मत, अच्छा क्वेश्चन था, गलत चिंता मत करना, आगे चलो 178 वोट नहीं आए। बायोटेक का अच्छा क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू द कट डीएनए नॉन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कट द डीएनए स्ट्रैंड ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड, तो ये भी सही है भाई, आपकी पैलिंड्रोमिक साइड से थोड़ा सा आपके हटके क्या करता है, काटता है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपके क्या हैं सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। करेक्ट, तो आपके आंसर क्या है भाई, बोलो एक साथ क्या था भाई, जोश में रहो ऐसे क्या, आगे चलो भाई 179 जूलॉजी आए दादी सर आए। इससे पूछा गया है कि लिपेस ग्रुप का उपयोग किस गर्भ निरोधक के रूप में किया जाएगा, तो सिंपल है यहां पर कि यहां नॉन मेडिकेट यहाँ पर ये सेकंड आंसर चला जाएगा, सिंपल है। हाँ आपको इसमें जरूरी होगी क्यों, हाँ चलो आगे चलो भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है ये 180 बॉटनी
इकोलॉजी आ जाए तो आंसर सर डर्टी रिवर्स ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स एक्चुअली ये इकोलॉजी से है जहाँ पर डिकम्पोजिशन स्टडी करते हैं उस पर है और इसमें बेसिकली जो अर्थवॉर्म होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन का काम करते हैं तो यहाँ अपने लिए करेक्ट आंसर फर्स्ट बन जाए हाँ भाई कर दे चलो आगे चलो अगला 181 जुलोजी आओ इसलो सर आप आए तो आंसर ये ना आपका जाएगा दोबारा वोट नहीं आ जाएगा आपका हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू उसमें से कौन सा नहीं है तो कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो जो न्यूरोग्लिया है वो नर्वस टिश्यू होता है वो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है जी आंसर क्या होगा भाई थर्ड जी सर जी लो कर दे आगे चलो 181 182 हिंदी में थोड़ा सा इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं 181 ठीक आगे 182 का वहां इन विच निम्न प्राणियों में से किनके पाचन पथ में अतिरिक्त कक्ष जैसे क्रोप और पेशी होते हैं तो क्रोप और पेशी जो होते हैं वो बर्ड्स के अंदर जो है वो होते हैं और बर्ड्स का जो है वो देखना है यहाँ पर निकालना है तो जो पेहो है सिटेकुला है पेहो जो है पिकॉक है सिटेकुला जो है वो पैरेट है कॉर्वस जो है वो क्रो है तो इनके अंदर अगर हम बात करें कि क्रोप और पेशी होते हैं थर्ड कर दो भाई चलो नेक्स्ट चलो बताओ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या करना है कि स्टेटमेंट जो है वो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसके अंदर एक है कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते ये तो जो है वो रॉन्ग हो गया गलत हो गया और अगर हम बात करें कि सही हो गया मतलब ये जो है कैन नॉट भी हाँ मतलब सही हो गया सर जी जी सही हो गया जी सर जी सर ये बच्चों देखो यही गलतियां हैं ये गलती हमसे भी होती हैं इसी का एग्जाम भाई नेक्स्ट था और अगर हम बात करें कि स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल्स कैरी काइलोमाइक्रोन इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेट इनटू द ब्लड बिल्कुल विलाई के अंदर अगर हम बात करें कि जो है लिम्फ वेसल होती है वहां पर इसको लैक्टियल बोलते हैं और वो एब्जॉर्ब करते हैं सही है सही हो गया आंसर क्या हो गया चार दोनों कथन फर्स्ट सेकंड सही है लेकिन बात कहां खाता बच्चा कैन नोट पे ये भी आप पर तो देखो दोस्तों इजीली कर रहे बच्चे प्रेशर होता भाई हम आराम से कर रहे हैं गलती भी वहां तो गलती सुधरती नहीं है ना इसी का कंपटीशन है ना ये जिसका सही हो अच्छा बच्चा भाई पक्का अच्छा बच्चा नेक्स्ट 184 वोट नहीं आए भाई जो आंसर आए ये साइटोलॉजी से है सेल डिवीजन से खासतौर से सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट थोड़ा करेक्ट एक ही नहीं पूछा है मैं स्पिनल फाइबर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम एक्चुअली आंसर तो अपन को यही मिल जाता है क्योंकि यहां कानेटोकोर से अटैचमेंट होता है स्पिनल फाइबर का फर्स्ट सही कर दे हां चलो आगे चलो 185 जुलोजी आए हां बेटा इसमें पूछा है एट व्हिच स्टेज ऑफ लाइफ ओजेनेसिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड तो बर्थ से पहले ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये प्रोसेस स्टार्ट होके रुक जाता है तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट कर दे लो कर दे चलो आगे चलो 186 अब सेक्शन डी स्टार्ट हो गया ये मैपिंग वाला है तो इसके अंदर अपने को ऑर्डर पूछा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग तो इसके अंदर जैसे सबसे मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर ए और डी आर है तो ए और डी के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो 29 सेंटी मॉर्गन हो गया और उस साल से सवाल नहीं आ रहा और अच्छा? इस बार है और इसके बाद में जो है वो 24 वाला ना तो सी एंड डी तो सी इसके बीच में आ जाएगा और ये वाला 24 के अकॉर्डिंग और भी इसके अकॉर्डिंग बैठ जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग ए सी एंड बी भी इसके बीच में आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड आप कहना क्या चाह रहे हो पांच साल बाद क्वेश्चन है जेनेटिक्स में क्या बात अच्छा लेवल का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है थैंक यू नेक्स्ट 187 ओके इसके अंदर अपने को करेक्ट स्टेटमेंट जो पूछा जा रहा है तो इसको करेक्ट पूछा है जी तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया नहीं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नहीं दोस्तों 1100 लोग आपको देख रहे हैं और कांस्टेंटली 1100 लोग आपके YouTube जुड़े हुए हैं बहुत बड़ी बात होती है 1100 लोग आपसे जुड़े हुए हैं ये बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो पहले वाला स्टेटमेंट जो रॉन्ग हो गया क्योंकि ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है ना तो अपने को इसके अंदर करेक्ट पूछ रहे तो ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट और फिर इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉज क्लोजिंग ऑफ सेमिलोनर वॉल ये वाला यहाँ पर रॉन्ग हो गया ओपनिंग हो गई इसकी जगह ओपनिंग हो जाएगा
फिर है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पर वेंट्रिकल के लिए होगा। तो ये वाला आपका सेकंड हो गया इसका। जी जी पहली बार सही पूछा है जी। उल्टा लो पूछा है। नेक्स्ट 188 आए बाकी साथ क्या हो रहा करण सर वगैरह के। इकोलॉजी का क्वेश्चन है और इसमें इन द स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर टू चार्ज डस्ट पार्टिकल। ये एक्चुअली रॉन्ग हो रहा है दोनों गलत है तो कौन सा आंसर हुआ? दोनों कहते ना फर्स्ट दोनों गलत है। आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ही कर दे भाई लोग कर दे बात को आगे चलो 189 आप पढ़ जाओ। ओके यहाँ पर मैचिंग वाला क्वेश्चन है। ब्रोंकाइटिस जो है सॉरी ब्रोंकियोल जो है उसके लिए सिलिएटेड एपिथेलियम हो जाएगा। गॉबलेट सेल्स जो एक हो गया तो एक हो गया कि है मैचिंग वाला चलो ऐसे होता कंपटीशन सही है। ओके सर बोलो रंगोली की जय। आगे चलो पंडित जी वोटनी आओ हाँ जल्दी चलाओ सभी साथ आओ अपने पास एक इतनी लंबी छोटी टीम है सभी सेलों का परिचय कराएं। एन ई कोलाई सेल विद एन 15 डीएस डीएनए आर इंक्यूबेटेड इन मीडियम कंटेनिंग एन 14 न्यूक्लियोटाइड आफ्टर 60 मिनट्स हाउ मेनी ई कोलाई सेल्स विद हैव डीएनए टोटली फ्रीड फ्रॉम एन 15। तो यहां पे अपने सामने इनिशियल फेज में 10 ई कोलाई है और यहां पे जो ड्यूरेशन है वो कितना है 60 मिनट्स है। तो यहां पे अपन कह सकते हैं 10 से कितना हो गया 20, 20 से हो गया 40, 40 से यहां पे कितना हो गया 80। इनिशियल फेज में यहाँ पे एन 15 है और पूछा आपने को एन 14 है तो इन 80 में से जो 20 है वो यहाँ पे नहीं होंगे तो आंसर यहाँ पे हो गया सेकंड ऑप्शन। ये तो वो हो गया रिडक्टिव हो गया तो हाँ रिडक्टिविटी है तो बिल्कुल वही है 10, 20, 40, 80 तेरी ये टांग जुड़ा रहा है रिडक्टिविटी फिजिक्स और मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन है ये। आंसर क्या सही करें 67 सेकंड ऑप्शन फिट चले आगे आ जाओ भाई नेक्स्ट जूलॉजी। चलो भाई हमारे ये नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा है कि स्निप्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अदर अक्रॉस इलेक्ट्रिकल स्निप्स। तो यहाँ पे अपने पास में जो सिनेप्टिक डिले रहेगा वो क्या रहेगा एबसेंट रहेगा तो स्टेटमेंट क्या अपने पास में सही है। केमिकल स्निप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर ये भी अपने पास में स्टेटमेंट क्या होगा सही होगा। थर्ड में अगर बात करेंगे इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल स्निप्स इज ऑलवेज फास्टर ये अपने पास में क्या होगा स्लोअर होगा। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा इसके लिए। हाँ पुत्रो फिर गलत पूछा इनकरेक्ट पूछा थर्ड इनकरेक्ट हो गया आंसर सही हो गया सही हो गया तो इस बार तो नान ने बहुत हाँ कर दी। चलो आगे चलो पुत्र ये किसका है ये एंडोक्रिन सिस्टम का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पैराथायरॉइड हार्मोन के प्रभाव में नहीं है। तो अगर अपन बात करेंगे स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन ये अपने पास में स्टेटमेंट क्या होगा सही होगा। बात करें डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड तो ऑप्शन अपने पास में क्या हो गया गलत हो गया यहाँ पे क्या आएगा इंक्रीज आना चाहिए था। चलो नेक्स्ट बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस टू बाय रिनल ट्यूबल से भी अपने पास में स्टेटमेंट क्या होगा सही होगा। डिक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस टू फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड ये क्या होगा अपने पास में रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर इसका कोई रोल ही नहीं होता है इट मीन्स अपने पास में कौन से ऑप्शन होंगे फर्स्ट एंड सी। लेकिन इसने यहाँ पे क्या पूछा है प्रभाव नहीं है थोड़ा ही अच्छा क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पे पहुंच जाएगा इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जाएगा डी एंड ई फर्स्ट ऑप्शन जाएगा जोर तो आएगा बच्चे। अरे भाई हम तो 20,000 लोग हमारे लाइव को अब तक देख चुके हैं भाई हमें तो दोस्तों बहुत मस्ती मूड में कर रहे हैं भाई 20 लोग खड़े हैं यहाँ पर बच्चा तो अकेला होता है एग्जाम हॉल भी तो इसका मतलब पेपर का लेवल अच्छा आगे चले। ये जो क्वेश्चन अपने पास में इवोल्यूशन का क्वेश्चन है जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट कौन सा ट्रू नहीं है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉजी स्टेटमेंट क्या होगा अपने पास में सही है एक्चुअली सही नहीं है। हाँ होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री स्टेटमेंट क्या होगा अपने पास में सही होगा। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स इज अ पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन ये गलत होगा अपने पास में यहां पे किसका एग्जांपल हो गया एनालॉगस का एग्जांपल आंसर क्या हो गया थर्ड इसलिए थर्ड ऑप्शन हो गया अपने पास ठीक लॉक करेक्ट। चलो आगे चलो 194 चलो ये अपने पास में जो क्वेश्चन है ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है इसके अंदर अगर हम बात करेंगे एक कलर ब्लाइंड फीमेल मेरीज यानी कि अपने पास में क्या होगा एक्स सी होगा मेन हुज मदर वाज आल्सो कलर ब्लाइंडनेस आपको पता होगा जो अपने पास में कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होगा वो कौन सा होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। तो यहाँ पे अपने पास में जो मेल होगा वो क्या होगा एक्स सी वाई
तो यहाँ से अपने पास में जो भी प्रोजीनी आएंगे सारे के सारी वो क्या होंगे अपने पास में अफेक्टेड होंगी, इसलिए अपने पास में कौन सा होगा ये 100% जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। यस आगे चलो डियर 195 बिल्कुल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो यहाँ पे आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ये यहाँ पे मोनेरा किंगडम आके रोंग हो गया। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल, सेल वॉल माइकोप्लाज्मा के अंदर नहीं होती। साइनोबैक्टीरिया आर ए ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, बिल्कुल यहाँ पे सही स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट आंसर इसका हो गया फोर्थ ऑप्शन। एक पुत्र क्या कहना चाह रहे हो, पूछा करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट तो आंसर क्या हो गया फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ किसका टॉपिक है ये प्लांट डायवर्सिटी, ओके थैंक यू। आगे चलो 196 लो फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं स्टोरेज प्रोडक्ट हो जाएगा नंबर 4, ग्लोबुलिन की बात कर रहे हैं एंटीबॉडी हो जाएगी नंबर 3, स्टीरॉइड की बात कर रहे हैं हार्मोन बन जाएगा, थ्रोम्बिन की बात कर रहे हैं थ्रोम्बिन बायोकैटलिस्ट एंजाइम काम में लिया एनसीईआरटी ने, 4312 4312 ऑप्शन देख लेते हैं इसकी, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन नंबर 3, थर्ड से कर दें भाई। हाँ चार, चलो आगे चलो 197 डिजायरेबल फीचर क्लोनिंग वेक्टर, बिल्कुल ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर, निम्न में से कौन सा क्लोनिंग समय के लिए अवांछित लक्षण नहीं है, प्रेजेंस ऑफ ए मार्कर जीन, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकॉग्नाइजेशन साइट, से यहाँ पे अपन कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा कि रिकॉग्नाइजेशन साइट जितनी कम होती है उतनी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर गुड होती है, तो आंसर यहाँ पे हो गया थर्ड ऑप्शन। हाँ भाई क्या बोले टीम, थर्ड क्या बोलती है, थर्ड यस आगे चले 197 जुलो जी। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लिया गया क्वेश्चन है, डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम हो जाएगा यहाँ पर सर्विक्स को ब्लॉकिंग करेगा एंट्री ऑफ स्पर्म के लिए, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा इसके लिए। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करेगी। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज की अगर बात करें, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट हो गया ना, 4 और 1 जरूरत नहीं करने की। आगे चलो 199 वोट नहीं आ जाओ। स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन का मतलब या ह्यूमुलिन के बारे में पूछा अपने को, क्या कर रहे हो, कौन सा होगा करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है लेकिन ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो ह्यूमुलिन के बारे में है, तो उसके अंदर अपन कह सकते हैं पेप्टाइड सी नहीं होती। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली इन ई कोलाई एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम, ये बिल्कुल यहां पे सही स्टेटमेंट है क्योंकि जो ह्यूमुलिन का फॉर्मेशन किया था उसी का गुणित किया गया था, तो आपका अर्थ है कि क्या होगा आंसर, क्या है इसका फर्स्ट आंसर सही है इसका ओनली बी फर्स्ट, मतलब पूछा सही क्या है, हाँ। केवल बी सही है, केवल भी सही है। तो ये किस थ्योरी के, एक ए आर होता है थ्योरी, थ्योरी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट 200 नंबर डायरेक्ट अप्रोच करें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक टाइप की होती है नॉन स्पेसिफिक नहीं होती है, अपने से पूछा क्या इनकरेक्ट है, पूछा इनकरेक्ट आ जाएगा, फिर इनकरेक्ट ठीक है, कौन सा आंसर हुआ थर्ड, थर्ड हो गया। चलो भाई अब 101 से खोलो भैया, 101 आ जाओ भाई, वोट नहीं आएंगे, अब वोट नहीं जुलो जी को, अब हमारे मिश्रा जी कहाँ गए, मिश्रा जी करण को बुलाओ भाई, हाँ हाँ बेटा शुरू करें, धर्मपाल जी जगदीश चलो 101 क्या कर रहे हो, हाँ हाँ वेट करो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, हैंग हो गए तो तब हम बात कर लेते हैं, आ गया क्या बात है ठीक है। फिर अपने पास में गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, अपने पास में टू स्टेटमेंट दिए हुए हैं, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टेंस फॉर प्लांट इज फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट एंड इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में मेसोफिल सेल ऑफ C4 लैक रूबिस्को एंजाइम एंड In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. तो ये भी बात सही है कि रूबिस्को अपने पास में मेसोफिल सेल में एब्सेंट होता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने पास में क्या हो जाते हैं
करेक्ट हो जाता है। हाँ भाइयों क्या आंसर करूं? फोर कर दें। चलो आगे चलो भैया 103 निकाल। 103 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें अपने पास में बॉस थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। क्या? ठीक है, इसके अपने पास में चारों के चारों मतलब जो पांचवी स्टेटमेंट है सब करेक्ट है। ठीक है, चलो अपन वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, इन रूट जाइलम एंड फ्लोएम इन ए वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई। बिल्कुल सही है। कॉन्जॉइंट क्लोज वेस्कुलर बंडल डू नॉट पास कैम्बियम, ये भी सही है। इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी सही है। द वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट स्टेम पासेज एंड आर्ट प्रोटोजाइलम, ये भी सही है। और अपने पास में नेक्स्ट है, इन मोनोकोटाइलेडन रूट यूजली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट, ये भी सही है। ऑल स्टेटमेंट अपने पास में करेक्ट है। राहुल कहां गया अपना? ठीक है, ठीक है। तो अपने पास में ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर सी डी ई। हाँ, तो आंसर अगर हम इसके बेसिस पे देंगे तो अपने पास में फर्स्ट और स्टेटमेंट इसमें पांचों सही है तो सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट नहीं, सेकंड थर्ड में सारे स्टेटमेंट आ गए। ए बी सी डी, ए बी ए सी डी ई, फर्स्ट क्यों नहीं है? सारे सही बोनस हो गए तो। हाँ, बोनस है क्वेश्चन, बोनस सुनो, तो पांचों सही है तो गलत कैसे हो गया? बोनस हमारी टीम क्या करके इसको बोनस, और बोनस किस लिए कर रही है? हम कहते ए बी सी डी सब सही है, सब सही, बोनस लगाओ। चलो आगे लो, आगे हाँ, इस क्वेश्चन में मेंडल के रेस्पेक्ट में बोला कि मेंडल ने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के साथ जो पी प्लांट था उस पर वर्क किया, सही है। और अगला जो स्टेटमेंट है उसमें 7 करेक्टर जो है उनकी बात हुई, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो जाएगा 4। दोनों सही, इसका मतलब 4 का आंसर कर दें, राइट? चलो भाई 105 आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 105, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रेडेशन, इट माइट लीड टू एक्सटेंशन ऑफ ए स्पीसीज। कभी कभी अगर प्रेडेटर डोमिनेंट हो जाए, उत्तर का 10:30 बज गए हैं लोग, बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इफेक्टेड। आंसर कौन सा इसका भाई? ये गलत हो गया, 100% सेकंड आंसर है। हां भाई कौन सा आंसर है? सेकंड, दो ए, ये लो दो। चलो 1-6 निकालो। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, आंसर क्या होगा इसका भाई? दो सेकंड, एक सुनो, डीएनए का आंसर क्या हो गया भाई? सेकंड कर दे। आगे चलो 107, given below are the two statement, statement first, cleistogamous flower are invariably autogamous, correct है ये, क्योंकि अनुन्मिले प्राणी कुछ सदैव स्वयंगुत होते हैं, autogamy होती है। second statement आपका है, cleistogamy is disadvantage as there is no chance for cross pollination, ये भी correct है, तो both statement are correct, तो second statement आपका second। राहुल मिश्रा बोलो, राहुल मिश्रा अब तक नहीं आया, आप इससे कौन सा हुआ? चार, ऐसे क्या कर रहे हो प्रभु? दोनों statement correct है, हाँ दोनों से चौथा आंसर होगा इसका। आगे चलो, अगला कौन सा आती है? वोट नहीं है क्या? नहीं है। आओ राहुल मिश्रा भाई, 129 तक वोट नहीं है। 108 107 हो गया अपना, 108 में आ जाओ। आओ इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू, ये प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन है। एक पुराने वृक्ष में द्वितीयक जाइलम का अधिकतर भाग सघन भूरा होता है और कीटों के आक्रमण को प्रतिरोधी होता है, यह किस कारण से होता है? तो देखिए, सीक्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स एंड देयर डिपोजिशन इन सही है, बिल्कुल सही, सही है। डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन एंड रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम, डिपोजिशन ऑफ सुवेरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द आउटर लेयर ऑफ स्टेम, ये रॉन्ग है, गलत है। डिपोजिशन ऑफ टैनिंस गम रेजिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द पेरिफेरल लेयर ऑफ स्टेम, ये भी गलत है। प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स फंक्शनली एक्टिव जाइलम, ये गलत भी है, गलत है। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी, बी ओनली, फोर, चौथा आंसर फोर। यस, शाबाश, आगे चलो 102। व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी when each molecule of glucose is converted to 2 molecule of pyruvic acid, yani ki glycolysis ke time par kitna net gain of ATP hota hai, to iska correct answer aayega 2, 2, yes, वैसे 2 aur वैसे भी 2, kyun net ATP 2 hi aa jao, 110 pichana ha aage 110 pe aao bhai, ha। which of the following never occurs during mitotic cell division, cell division ka question hai, first dekhiye
मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड अपोजिट पोल्स, यानी कि जो सूत्री कोशिका विभाजन है उससे रिलेटेड हमें क्या देखना है जो उसमें नहीं होता, तो मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड पोल ये तो होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये नहीं होता है, क्योंकि ये किसका मियोसिस का एक कैरेक्टर है, तो आंसर क्या जाएगा सेकंड। चलो आगे 111, ये प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज मेनी फोल्ड इन रिसेंट ईयर, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हॉर्मोन्स हैज रिजल्टेड इन दिस इंक्रीज यील्ड एज अ हॉर्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लावर्स इन द प्लांट, यानी कि जो फीमेल फ्लावर्स हैं प्लांट्स में उसका प्रोडक्शन कौन सा हॉर्मोन कराता है, तो एनसीईआरटी में क्लियर लिख रखा है इथाइलिन। हाँ भाई टीम 111 तो कर दे आंसर सेकंड। चलो आगे चलो 112, ये मिनरल न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ए और बी में मैच कराना है, तो अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर वाटर स्प्लिटिंग से रिलेटेड है, यानी कि ए का हो जाएगा 4। मैग्नीशियम ये किससे रिलेटेड है, एक्टिवेट द एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि ये बी, बी का थर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया फिर तो आंसर आ गया फर्स्ट। आगे चलो नेक्स्ट, फ्लावर्स ऑफ जाइगोमॉर्फिक इन, यानी कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर या एक व्यास सम्मित पुष्प किसमें होते हैं, तो क्लियर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कैसिया और गुलमोहर, बी और सी, बी और फर्स्ट सी हो गया, तो आंसर आ गया फर्स्ट। चलो पकड़िया जी अब आप आओ हमारे, पहन दो बेटा पहन दो, हाँ सर पहने सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, यूलोथ्रिक्स, पोरफायरा, वॉलवॉक्स और एक्टोकार्पस, तो इसके अंदर अपने को इनकरेक्ट जो है वो आपके मैच करना है, तो यूलोथ्रिक्स के अंदर इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैनिटोल जो है क्या वो आपके कौन सा युग्म बेमेल है, फिर नेगेटिव आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। हां तो क्या करें बेटा, हां भाई टीम बताए फर्स्ट कर दिया, आगे चलो क्या क्या सेकंड करें, बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पे दो कथन है और यहाँ पे अपने को देखना है, फर्स्ट स्टेटमेंट, डीकंपोजिशन इज ए प्रोसेस इन विच द डिट्राइटस इज डिग्रेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स, डीकंपोजिशन इज फास्टर इफ द डिट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, तो फर्स्ट तो सही रहेगा और सेकेंड जो है वो आपके राइट हो जाएगा। आंसर क्या बेटा, दो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट तो सही है और सेकंड गलत है, ऐसे बोलो भाई, फर्स्ट तो सही हो जाएगा और सेकंड, हां भाई टीम क्या बोल रही है, फर्स्ट सही है सेकंड गलत है। आगे चलो 116, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टर, तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन जो नोड्यूल है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो सीधा आंसर जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स। हां भाई कर दे 116, चलो आगे चलो नेक्स्ट, Which of the following plant does not show plasticity? बिल्कुल NCERT का statement और यहाँ पे answer जाएगा मेज। पक्का? दे भाई। आगे चलो। Read the following statement and choose the set of correct statement. Correct statement यहाँ पे देखने। Euchromatin is loosely packed chromatin, बिल्कुल सही है। Heterochromatin is transcriptly active, बिल्कुल गलत है। Histone octamer is wrapped by negative charged DNA, बिल्कुल सही है। हिस्टोन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट, ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर फर्स्ट ये चला जाएगा आंसर राइट, सेकंड ये हो जाएगा और थर्ड एसीडी फर्स्ट होगा आंसर। बोलो बोलो टीम भाई, चलो अगला साथी आओ। हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट डिवाइस व्हिच कैन रिमूव पार्टिकल मैटर प्रेजेंट इन द एक्सेस फ्रॉम ए थर्मल पावर प्लांट, इसके लिए अपने पास सेकंड क्वेश्चन जो है वो सही है इसका। ठीक है डियर, चलें अगला क्वेश्चन खोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिन एज सून एज, कि ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो सॉरी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होती है, चार आंसर जो है वो सही, जैसे ही राइबोसोम की, क्यों सही है भाई, थोड़ा कूल हो जाए एक बार, लास्ट दौर पे आ गए, 120 का चौथा सही है, चलो आगे चलो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पोलिनेशन, पोलिनेशन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो यहाँ अपने पास फर्स्ट ऑप्शन सही है, पोलिनेशन बाय वाइंडिंग इज मोर कॉमन अमोंग, और सेकंड ऑप्शन जो है फ्लावर प्रोड्यूस, ये भी सही क्वेश्चन है अपने लिए, अगला पॉइंट जो है थर्ड गलत हो गया इसका, वो इसका गलत है, तो इसका आंसर क्या हो गया थर्ड, क्या सारे गलत गलत पूछा गया इस बार, ये तो सही लगता है, वो पता लगे पूछ के अपने वाले हैं। थैंक यू, आओ 121।
122 यस प्रभु यस प्रभु भाई हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड इन प्लांट्स जो गैसियस नेचर का होता है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किस काम आता है तो इसमें आंसर है प्रोमोट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन सही कर दे सरफेस लो कर दे फर्स्ट को फर्स्ट कर दिया आगे चलो 122 23 इनमें से कौन सा बैक्टीरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ एलनस एलनस के साथ फ्रेंकिया एसोसिएशन करता है सिंबायोसिस इसलिए फर्स्ट आंसर क्या बेटा फर्स्ट कर दे हां भाई फर्स्ट आगे चलो 124 What amount of energy is released from glucose during lactic acid fermentation? Lactic acid fermentation में partial breakdown होता है, जिससे less than 7% energy release होती है। Third कर दे। हाँ भाई team। Commander sir। Yes, आगे चलो। प्रभु उसे चल रहा सर, आपके नेतृत्व में। Habitat loss and fragmentation, overexploitation, alien species invasion and co-extinction। ये चारों ही evil quartet में हमने पढ़े हैं, जो कि बायोडायवर्सिटी लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कर दे सेकंड कर दे चलो आगे आओ दूसरा साथी आओ कोई ललित हो नहीं आओ कैसे कैसे बैठ के थक गए क्या क्वेश्चन नंबर 126 इसमें वही सेम दो स्टेटमेंट पूछे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन बिल्कुल करेक्ट है एम्पिसिलिन जीन इज यूज्ड एज सेलेक्टिवल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन ये भी बिल्कुल क्या है सही है दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे करेक्ट फर्स्ट एक मिनट बेटा ए व आर दोनों सही है किंतु आर ए की सेवक है नहीं है ये सुन लो बच्चों भाई ये रियल होते असल एजुकेशन तो पहले एम्स आते थे और जब एम्स आते थे तो उस एम्स कट ऑफ 50% वाकर कैटेगरी की आइए पहले बता दूं आपको मैं इसलिए पेपर को लेके बेचैन नहीं हो ऐसे क्वेश्चन अपने डाले भी है चलो आप सुनो एक मिनट 126 में क्या सही करना अपने को फर्स्ट लो कर दे पूरी टीम एग्री है आगे चलो 127 वो तो बाबूलाल जी ने तो काम किया आप लोग तो अच्छा काम करोगे सब इसमें वही स्टेटमेंट पूछे काफी सारे स्टेटमेंट दे दिए तो सही पूछा सही उत्तर का चयन कीजिए ठीक है इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन में होंगे सेकंड वाले में जो बी सी डी ई जो है इसमें मतलब आप स्टेटमेंट एनसीईआरटी के क्यों तो सेकंड सही कर दे ओके 128 का उत्तर ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आ गया इसमें डायरेक्ट पूछा है एक्सपेरिमेंटल बेसिस इसका जो यूज अपन करते हैं किसमें फूड इन ट्रांसपोर्टेड फर्स्ट कर दे 120 आगे चलो ये आ गया फिर से बायोटेक का जेरेक्ट फोरेसिस टेक्निक के संदर्भ में आपको सेलेक्ट करना है कौन सा गलत है बिल्कुल सिंपल दिया है इसने नीले रंग की डीएनए बैंड जो है कभी भी दिखाई नहीं देती इसमें आंसर सीधा चला जाएगा आपका सेकंड मतलब 129 में सेकंड चलो आगे 130 पे आओ ध्रुव आगे तो ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है एक्स ओ टाइप का जो सेक्स डिटरमिनेशन है तो सीधा इसमें इंसेक्ट में ग्रास ऊपर हो जाएगा टिड्डा बोलते हैं क्या इंसेक्ट है कीट है टिड्डा का आक्रमण टिड्डा भाई के चलो हां भाई हां तो अगला क्वेश्चन एक मिनट वापस आओ 130 पे का आंसर क्या होगा टिड्डा सही कर दूं टू आगे 131 पे आओ हां अगला क्वेश्चन अपने एनिमल किंगडम से है एनिमल किंगडम से ऑर्थोपोड्स से फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है ना एक्सोस्केलेटन जो ऑर्थोपोड्स में वो काइटिन का बना है अपने जूलॉजी से ये किसका था बायोमोलिक्यूल का ये आपका है क्या सर आप ही जो आपकी याद है उसमें भी ये बायोमोलिक्यूल में स्टेटमेंट दे रखा बड़ा सिंपल रिपोर्ट है हां तो इसमें सीधा चला जाएगा काइटिन फंगल सेल वॉल और एक्सो ये इसके मुंह से कलाओ ना कि नेक्स्ट कॉमन है हां ये किसका है बोटनी का अच्छा ये जो केराजीन है किससे प्राप्त किया जाता है बिल्कुल सिंपल डायवर्सिटी का क्वेश्चन आ गया ये आपका रोडो फाइसी यहां पर दिया है सेकंड ऑप्शन हां भाई 132 सेकंड चलते चलो आगे चलो ये बोटने का इसमें वही स्टेटमेंट वाला आ गया एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस इन केमी ऑस्मोटिक जो हाइपोथेसिस उससे क्वेश्चन पूछा है तो उसने पूछा गया क्या शामिल है तो इसमें देखो बेटा जो ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका कोई रोल नहीं होगा मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन तो इसके अकॉर्डिंग आपस जाएगा क्या के विषय में क्या शामिल सत्य नहीं है तो जो सत्य नहीं है वो कौन सा होगा इलेक्ट्रॉन का विघटन इसमें कभी भी नहीं होगा तो पहला चला जाएगा सिंपल हो गया फर्स्ट एक मिनट रुको भाई ब्रो इसके मान दो सही कौन सा है फर्स्ट आगे वोट नहीं गए ललित सोनी आप आओ भाई ललित सोनी को दो अरे वो तुम्हारा और कौन साथी रह गया कौन रह गया साथी आ जाओ सब आओ यार सब साथियों का परिचय फिर करण को आजा बेटा हां Next, which of the following is not observed during apoplastic pathway?
निम्न में से कौन एक एपोप्लास्टिक पथ के दौरान नहीं देखा जाता? द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यह सही है। द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, है यहाँ पे यहाँ से चला जाएगा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है वो एपोप्लास्ट में नहीं होती, सिम्प्लास्ट में होती है। तो आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो गया। क्या 134 में सेकंड आवे टीम क्या कह रही है? सेकंड। चलो नेक्स्ट 135। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाइएडल्फस स्टेमंस, तो यहाँ पे दे रखा है पाइसम सेटाइवम, बिल्कुल यहाँ से फर्स्ट ही हो गया। आवे कर दे, ये लो भाई इसी का ए पार्ट खत्म, अब बी पार्ट स्टार्ट होता। चलो भैया आ जाओ। बोटनी। ट्रांसपोजोन कैन बी यूज ड्यूरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, जीन साइलेंसिंग, ऑटोरेटोग्राफी, जीन सीक्वेंसिंग या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो यहाँ पे बिल्कुल जीन साइलेंसिंग जो है लाइन है, फर्स्ट आंसर। आओ पढ़ जाओ। तो इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट पूछा था, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन ही अपना ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये एक्सलिंग रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, और ये वाला ऑटोसोमल रिसेसिव, तो आंसर हो जाएगा वन। क्या आंसर करें? वन। फर्स्ट कर दे जी। चलो आगे चलो 137। 138 पे आओ भाई। उसका मतलब ये हो जाएगा कि नुकसान हो रहा है, और जीरो का मतलब क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि नेगेटिव और नेगेटिव को शो करना है, तो नेगेटिव और नेगेटिव केस में होगा फोर्थ, उसको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो ऐसा क्यों किया गया है? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट। इस परिवर्तन के मूल्य को कम करने के लिए उसी डीजल इंजन का सीएनजी बसों का उपयोग किया गया। तो बेटा कर दे। करण आजा भैया, करण पुत्र आजा, आजा आजा आजा। तो ये 17 पेपर का सॉल्यूशन, बस लास्ट 10 क्वेश्चन बचे, जोड़ो और खुद के नंबर व्हाट्सएप करो मेरे को पर्सनली। हाँ भाई। हाँ बेटा, 141 क्वेश्चन है। इफ जेनेटिक्स यूज टू ब्लाइंड approach for sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of the function of different segment, the methodology adopted by him is called sequence annotation, ki direct line hai NCRT ki, to usse apne paas mein question uthaya gaya, answer 4 ho gaya. Ho gaya? Zoology? Nahi, botany. Addition of more solute in the given solution. आपको पता है कि solution अपने पास में add करेंगे तो water potential क्या हो जाएगा? More negative हो जाएगा, decrease हो जाएगा। First answer. क्या भी चांस दे? First. दे first. चलो आगे चलो। ये भी अपने पास में botany का question है, अपने पास में embryology से। Which part of the fruit labeled in the given figure? ठीक है, make the false fruit. अपने पास में false statement अपने पास में देखना है, तो C को false बनाया गया। ठीक है, तो आंसर अपने पास में हो जाएगा सेकंड। एक मिनट क्या करें? सेकंड। हाँ चलो आगे चलो। तो इसमें जो ए जो वाला स्टेटमेंट है, assertion वाला, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन सेम क्रोमोसोम, ना लिंकेज इसका एक्सेप्शन है, तो ये वाला सही है। लेकिन ये वाला देखो, क्लोजली लोकेटेड जीन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये वाला गड़बड़ हो गया है ना, तो ए सही है और जो आर है वो रॉन्ग हो गया। आंसर क्या दे पुत्र? आंसर 2 हो जाएगा। ए ए इज करेक्ट, बी नॉट करेक्ट। चलो आगे चलो 145 क्वेश्चन अपने पास में बायोमोलिक्यूल से है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड एंड फाइंड आउट करेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट। पहला है लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट्स द ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड है, रॉन्ग हो गया बेटा। ठीक है, सैचुरेटेड फॉस्फेटिक एसिड फासेज मोर देन वन या डबल बॉन्ड, ये अपने पास में करेक्ट हो गया। ठीक है, और अपने पास में नेक्स्ट है, ठीक है, तो अपने पास में नेक्स्ट है, अपने पास में जिंजली ऑयल्स हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज रिमाइन ऑयल इन विंटर, ये भी सही है। ठीक है, लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी सही है। ठीक है, व्हेन फैटी एसिड इज एस्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म, ये भी सही है। तो अपने पास में जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ए है। जो अगला कहता है लिपिड के विषय की कथन पढ़ी और सही कथन सेट चुनी है, तो सही कौन कौन से हो इसमें बोलो भाई?
सही अपने पास में सी डी और ई बोलो बोलो भाई क्या क्या सी डी और ई सेकंड सही कर दे आओ सुरेश सर आप आए राव साहब आप आओ अगले हम चलो लास्ट अब आपसे समाप्ति करा देते हैं लोग ये 146 ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है माइक इसके पास हां माइक दे रखा हां इसमें पूछा है जो वैस्कुलर बंडल की C4 प्लांट की बात करें जो बंडल शीथ जो सेल डेवलप की गई है उनका मेन पर्पज क्या है कि उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो अपन ने जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट ये क्या है नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या कर लेगी इंक्रीज कर देगी पहला चला जाएगा एक सही कर दे हां भाई चलो 147 पे आ जाओ नहीं 146 का पूछो करण के साथ कंप्यूटर में आ भाई 147 पे आ जाओ ये मैचिंग वाला आ गया डायरेक्ट इसमें मैचिंग जो है बिल्कुल जो लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग आपको इसको मैच करना है तो जितने भी स्पाइरो वगैरह फर्न फ्यूनेरिया साइकस बिल्कुल मैच कर दोगे इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर क्या कर दो फर्स्ट आ जाएगा आगे चलो 148 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सीलरेट द फॉस्फोरस साइकिल फॉस्फोरस साइकिल के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा होगा आपका वेदरिंग ऑफ द रॉक्स ये चला जाएगा हो गया 149 इसमें वही स्टेटमेंट वाला आ गया थोड़ा सा लेंथी बना रखा है बाकी सिंपल क्वेश्चन है इसमें चला जाएगा स्टेटमेंट जो पूछा है सही पूछा है सही उत्तर को चुनिए तो इसके अंदर जो ए सी डी और जो ई है ये हो जाएंगे आपके तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट फर्स्ट 150 वोट नहीं गए प्रभु समाप्त कराएंगे प्रभु आओ प्रभु हाँ आगाज तुम मेरे आगाज हो तुम मेरे अंजाम हो प्रभु बताओ मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है जो एट मीडियन एकदम मध्य में दोनों इक्वल आर्म्स हो जाएगी क्लियर फिर आपका होता है एक्रोसेंट्रिक जो टर्मिनल पे होता है सब मेटासेंट्रिक सम अवे फ्रॉम मीडियन होता है और टेलोसेंट्रिक अब इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को मैच करना चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कौन सा गिवन बिलो फोर कर दो ए में थर्ड बी में सेकंड आपको इसी के साथ नीट 2022 के पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ तो सभी साथियों परिचय कराते हुए ये हमारा सही वो बता दो एक बोनस बता दो एक क्वेश्चन एक बोनस वाला कौन सा हुआ है एक बोनस है एनाटॉमी का स्टेटमेंट का निकालो X3 निकालो भाई X3 निकाल दिखा देते हैं लोग अभी दिखा देते हैं 103 बोनस हुआ है आराम से बेटा आराम से 303 आ गया ये भाई 103 नंबर हम लोग क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही है ये मेरी टीम कह रही है तो हम इसको बोनस मान रहे हैं क्यों ओके क्वेश्चन 188 क्वेश्चन है 188 निकालो क्या है उसमें निकालो 188 निकालो भाई अगली पीपीटी बड़ा 188 अगली में अगली फाइल में हाँ एक ही बात है 188 हाँ यहाँ भी कुछ गड़बड़ था बड़ा बताओ भाई क्या इसमें क्या करना है पूरी कर अब मुझे की देना अपने बोनस कौन कौन आप सुन पाए और बोनस कहाँ हुए थे जी फिजिक्स में कोई बोनस नहीं है 12 नंबर में 12 निकालना फिजिक्स का भैया क्या देखना फिजिक्स का 12 नंबर निकालो भाई तो 12 निकाल शुरू की स्लाइड है 12 ही है हाँ 12 वाले फिजिक्स 12 निकाल 12 देखते हैं क्या है अभी 12 बोनस कैसे हुआ नहीं 12 सही है थर्ड देंगे बोनस नहीं करेंगे उसको भाई थर्ड देंगे बोनस नहीं करेंगे थर्ड देंगे इसको हाँ थर्ड होगा बोनस नहीं भाई थर्ड मानेंगे थोड़ा बहुत मिस्टेक होगी बट बोनस नहीं करेंगे थर्ड ओके और केमिस्ट्री में 88 केमिस्ट्री बैठे निकालना केमिस्ट्री 50 से ये बिल्कुल वो ध्यान है मेरे को इसमें वो पन पॉइंट ये बिल्कुल सही है बोनस है तो फिजिक्स में कोई बोनस नहीं है केमिस्ट्री में एक बोनस है बाकायदा ये तरीका ही
साथी ने कहा कि 1.05 होना चाहिए और बायो में आपके 103 को बोनस किया अपन ने। आ जाओ पीछे कहना साथी का, तो ये हमारे बाबूलाल जी हैं, कहने की बात ही नहीं है, मजबूत टीम कोर टीम के मेंबर हैं। थैंक बाबूलाल जी। ये सुरेश उरांव सर है, हमारे कोर टीम के मेंबर हैं, बिल्कुल हर वक्त साथ रहने लोग हैं। ये हमारे राव साहब हैं, सर्वेश यादव कोर टीम के मेंबर हैं। ये हमारे चौहान साहब कमांडर बोलते हैं प्यार से, सबसे मजबूत तन से भी मन से भी, वो कहते हैं दिल से भी मजबूत और सबसे मजबूत हमारे चौहान साहब है। ये ललित मेरा लाडला बेटा स्टूडेंट रहा है, ललित सोनी बहुत क्या बताओ, ये वो टीम है जिसके बलबूते हम कर हर मैदान फतह। क्यों थैंक यू। ये मनोज हमारा स्टूडेंट रहा सीएलसी का, अभी बोटनी की शानदार एक प्लेयर है। ये हमारे पंडित जी बोलते हैं प्यार से इतने रुपये, ये मेरे गांव रतनगढ़ से है, एक बहुत उमदा प्लेयर है हमारे। ये हमारे वैष्णव सर अभी जुड़े सर हमारे साथ, एक बहुत ही धीर गंभीर पर्सनैलिटी हमारे साथ है। ये फिर लाडला बेटा हमारा डॉक्टर आयुष, ये बिल्कुल लड्डू गोपाल टाइप हमारा, प्यारे प्यारे बच्चे मेरे ये। ये हमारे चंदेलिया जी हैं, बहुत ही मेच्योर और सुलझी टीम प्लेयर हमारे। ये हमारा बगड़िया अभी जुड़ा है 2 साल से, बहुत अच्छा प्लेयर हमारा। ये हमारे दादी सर हैं, जोधपुर ब्रांच के साथी हैं, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। अभी आपके स्कोर एक्सपायर हो गए दादी जी, इसलिए आपने कैप लगाया, स्नातन धर्म में बाल देते हैं इसलिए आपने कैप लगा रखे, दादी जी शांत हो गए। ये हमारे करण सर हैं, बहुत ही कोरोना में सबसे ज़्यादा किसी आदमी ने, क्यों भाई, सबसे बड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट सीएससी टीम के साथ किया और सबसे दिल जीतने वाला आदमी मेरा करण यादव आए। ये हमारे डांगी, ये मेरी पसंद का, ये मेरा पॉइंट क्या हुआ है, इंटरव्यू आए मैंने कहा ईश्वर का पॉइंट कर लो, ये पढ़ा देगा, मैंने कहा ये शानदार पढ़ा रहा है, ये मैंने पता है क्यों मुझे पसंद है यार, ये तूने मेरी इज्जत रखी, थैंक यू। ये हमारे मिश्रा जी राहुल मिश्रा, बहुत ही हमारा बहुत ही धीर गंभीर व्यक्ति, थैंक यू। आए सब लोग आए, ये साथी अभी नए जुड़े हैं तो इनके नाम खुद बताने पड़े, नाम क्या बेटा आपका? संदीप कुमार जी हैं, अभी जुड़े, कहाँ से हो आप? रामपुरा हरियाणा से हो। आए सर अपना नाम बताएं। प्रशांत जी आप कहाँ के हो? पिलानी से, थैंक यू। सर आपका नाम? घनश्याम यादव, ये भी साथ जुड़े हैं, तो दोस्त थैंक यू, भैरोड से, थैंक यू। तो ये दोस्तों आप पर्दे के पीछे की टीम दिखाते हैं आपको, सब आ जाएं पर्दे के पीछे की टीम के आ जाएं। ये हमारे धर्मपाल जी हैं जो पीपीटी सब बना रहे थे, कहने की बात ही नहीं, सुंदर सी चीज़ें देखते हो, सीएलसी की पोस्ट डिजाइन उसमें हमारे धर्मपाल आते हैं। क्यों? ये हमारे सुशील जी हैं, कैमरे के पीछे के प्लेयर हैं, फोटोग्राफर और सब वीडियोग्राफी काम करते हैं। ये हमारे सुनील हैं जो कैमरे के पीछे पूरे टाइम खड़े थे 3 घंटे से। पिंटू सॉरी, ये पिंटू दोनों से कैसे सीन किया, ये हमारा पिंटू है। और ये हमारा स्पार्टन बोलते हैं इसको, मनीष मील कैमरे के पीछे के लोग हैं सभी लोग। ये जगदीश, कोरोना में मेरा सबसे ज़्यादा साथ देने वाले जो लोग थे उनमें से एक आप भी जगदीश भी हैं। और हमारा भगवान जगह रामचंद्र कर दिया, हनुमान नाम कर दिया इसका आश्रम। ये इस लड़के ने मतलब मेरी धर्मपत्नी के बाद इस लड़के ने जो मुझे केयर किया ना, मेरी बिल्कुल एक क्या कहूँ बेटे की तरह, मैं इसका कायल हूँ। इसका नाम हनुमान बना दिया हमने, वो श्री राम है ये हनुमान है, तो नाम लेना अच्छा रहे। आ जाओ जोड़ नहीं क्या, अभी जोड़ लेते हैं, अभी जोड़ के बात करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ, और 1100 लोगों ने कॉन्स्टेंटली हमारे इस लाइव को देखा, यूट्यूब पे रहा, इसके अलावा किसी को कोई विचार हो कुछ भी हो तो आप मेरा खुद का जो नंबर है 9992870 आप दोस्तों वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं प्लीज, ये रहा 9992870388, ये मेरा खुद का नंबर है, आप वहाँ व्हाट्सअप करें अपना नंबर भेजें। और हमारे हिसाब से जो बोनस सर कर दिए हमने, बाकी देखते हैं देश के अन्य संस्थाएं सभी लोग अपने हिसाब से क्या आंसर देते हैं, उसके बाद थरोपरी भैया एंटी करेगा होगा। हमने हमारे और ये फाइनल हो गया, पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है, इसलिए ये मॉड्यूल्स ये कॉपियां ये केवल दोस्तों बेस बनाती हैं। डॉक्टर पढ़ना आपको पढ़ना होगा एनसीईआरटी, और इस साल सीएलसी का क्वेश्चन बैंक था जो हमारे टेस्ट हुए, ऑलमोस्ट करीब करीब पेपर वहीं से आके बना है। और मैं पूरी टीम का आभारी हूँ, एक बार जोरदार ताली मेरी पूरी टीम के लिए दोस्तों।